हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासे हे दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट युग्म सुमति रघुनाथ दास श्री जीव में कुरुत मंदमतीर दयागबरा तमादि देवं करुणा निदानं कमाल वर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेतुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मि कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री 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 मात भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री 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 मात भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे धीरे धीरे श्री परिकृत महाराज और श्री सुखदेव गोस्वामी की कथा श्रवण कर रहे थे। अभी श्री सुतो गोस्वामी ये सृष्टि की प्रारंभ कैसे हुई वो वर्णना करते हैं। बोले जिस समय भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुए उनने चारों तरफ में पानी ही पानी देखा। अभी उनको पता नहीं चला मेरी सृष्टि कहाँ से हुई। कमल नारों में हजार साल तक उन्होंने संधान की लेकिन कोई था नहीं पाए। फिर जब ऊपर उठे उन्होंने व्यंजन वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर सुना। बोले त और प। बोले तुम तपस्या करो। जब ब्रह्मा जी तपस्या की भगवान ने बोले ज्ञानों में परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम सह रहस्यंच तदगंच गृहाणम गदितम मया। भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान किया। गोपाल मंत्र उन्होंने उनको प्रदान किया और आदेश दिए ये सृष्टि का प्रारंभ तुम करो। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी अपना मन से उन्होंने चतुसन को सृष्टि किया है। सनक सनादन सनातन और सनत कुमार। बोले ये सृष्टि का प्रारंभ करो। लेकिन चतुसन ने बोले पिताजी ये संसार बड़े दुखमय है। हम तो ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते। हम तो चाह रहे हैं भगवान की भक्ति करें और मस्ती में रहे। बोले सृष्टि का पहला तुम हो। और बोले भगवान की आदेश है सृष्टि करो। तुम कहते सृष्टि नहीं करोगे। तब उन्होंने अभिशाप दे दिए। बोले जाओ जैसे जन्म लिया ना ऐसे ही बने रहो। बोले ये तो अभिशाप थोड़ी ये तो वरदान है। क्योंकि संसार का जितने बोझ है किसको ऊपर में बड़े को ऊपर में बच्चों को ऊपर में थोड़ी कोई बोझ है। बोले हम तो मस्ती रहेंगे भगवान की भक्ति करेंगे। इतने में ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनको ललाट से रुद्रदेव प्रकट हुए। बोले उन्हें भी बोले सृष्टि का क्रम बढ़ाओ। लेकिन शंकर सत्यम शिवम सुंदरम जोगी जोगी महाजोगी श्री भोले बाबा इनके भी इच्छा नहीं ये घर गृहस्थी करना। बोले अगर मैं मना कर दूं पिता को पिता बिगड़ नहीं जाए। बोले ऐसे काम करो पिता अपने आप मना कर दिए। तो उन्होंने ये भूत विशाचों को सृष्टि करना प्रारंभ की। बोले ये कोई सृष्टि ना ये संहार कर रहे हो। जरूरत नहीं तुमको सृष्टि करने का। शंकर तो खुश हो गए। परछाई से उन्होंने कर्दम ऋषि को सृष्टि की। फिर उन्होंने 10 संतान
और ब्रह्मा जी अपना शरीर से मनु और सत्वरूपा को सृष्टि की, फिर उनको आदेश दिए कि सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ। सर्वप्रथम उन्होंने 3 कन्याएं 2 पुत्र जन्म दिए, आकुति देहूति और प्रसूति मनु और सत्वरूपा। जब उन्होंने ये सृष्टि की मनु और श्री कहते उत्थान पात और प्रिय व्रत, उन्होंने 2 संतान को जन्म दी। कहते यहां से फिर सृष्टि का क्रम हुआ, इसलिए मनु महाराज से हम हुए हैं, इसलिए हमको मानव कहलाते हैं। लेकिन हमारी जो साइंस क्या कहता है, कहते हमारे पूर्वज लोग तो बंदर थे, और ये बंदर का पूंछ कटते 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 जब खत्म हो गया ना, फिर तो ये इंसान बन गए। लेकिन हमारा शास्त्र ये नहीं कहता है हमारे पूर्वज जो बंदर थे। हमारा शास्त्र कहता है हमारे जो पूर्वज हैं कौन हैं, इसलिए तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु स सखा तुमैव। हमारे जो पिता थे ठाकुर जी थे, भगवान कृष्ण थे, भगवान राम से हम आए हैं। हैं पिता जैसे होता है बेटा तो ऐसे होता है ना। आपका चेहरा को बंदर को चेहरा से मिलोगे, उसका कौन सा चीज में तुम्हारी मिलेगी, कोई आंख नाक का ना कान मिलेगी। लेकिन भगवान कृष्ण को देखो, उनका नाक जैसे आंख जैसे मुंह जैसे 2 हाथ 2 पैर, हमारे ऐसे है कि नहीं ना, हमारा चेहरा बंदर जैसे। तो उसी समय में क्यों बंदर का पूंछ कटते कटते खत्म हो गया, अभी तो कितने सारे बंदर घूम रहे हैं, अभी तो कोई एक बंदर इंसान नहीं बन रहा है। इसलिए हमारे कोई किसी शास्त्र में नहीं बताया हम बंदर से हम बन गए। इसलिए गीता कहता है ममई बांस जीव लोके जीव भूत सनातनी, गीता कहता है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जगत में जितने जीव है सब मेरे बच्चे हैं। आप देखो क्रिश्चियन का ग्रंथ, आप बाइबल उठा करके देखो, वहां पर लिखा हुआ है गॉड क्रिएटेड मैन ओन ओन इमेज, भगवान ने अपना जैसे उन्होंने संतान को जन्म दिया है। अब कुरान कहती है मुसलमान का ग्रंथ, उसको पढ़ करके देखो, बोले अल्लाह ने अपना जैसे सूरत उन्होंने इंसान को, कई कुरान कहता है। इसलिए किसी शास्त्र में नहीं बताया ये बंदर से इंसान हो गए। लेकिन ये डार्विन जो बताए कि डार्विन मरने से पहले बोल कर गया, बोले भैया तुमने क्यों बताया बंदर से इंसान हुआ, बोले ये सरकार मेरे को बताया था, तुम ऐसे थियोरी बताओ जैसे लोग नास्तिक हो जाए, भगवान भगवान कुछ नहीं माने। लेकिन ये बंदर से कभी इंसान बन नहीं सकता, ये स्वयं मरने से पहले ये डार्विन बता कर गए। इसलिए हम सबके सब ठाकुर जी से हुए हैं, हम कोई भी बंदर जिसे बंदर से कोई नहीं हुए, इसलिए मनु महाराज से हम लोगों ने हुए हैं। इसलिए देखो हम सभी का एक एक गोत्र है ना, तुम्हारी गोत्र क्या है कश्यप, तुम्हारी तुम्हारी देखो हमारे भारत में पूछो ना सभी का अलग अलग गोत्र है। गोत्र का यहाँ कहाँ से आया बताओ। कहते जिस ऋषि से हम लोग हुए हैं, जिस ऋषि से हम लोग हुए हैं वही गोत्र हमारी है। इसलिए हम कोई बंदर से नहीं, हम सबके सब श्री ठाकुर जी से हुए हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। बोले श्री कर्दम ऋषि ने कठोर तपस्या की, ठाकुर जी दर्शन दिए। बोले क्या चाहते हो, बोले प्रभु मेरे मन में तो कोई इच्छा नहीं संसार करने का, लेकिन आपकी इच्छा है ये सृष्टि का क्रम बढ़े, आपकी इच्छा जान करके मैं तो शादी शुदा करूंगा, लेकिन मेरे 2 शर्त है। बोले बताओ क्या शर्त है। बोले पहला शर्त है अगर आप स्वयं मेरे बेटे बन करके आओगे ना, फिर तो मैं शादी करूंगा। बोले दूसरा शर्त, बोले तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक मेरे बच्चे नहीं हो जाते, बच्चे होने के बाद फिर मैं भक्ति करने के लिए चला जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं। तो उनको माता देहोति को साथ में श्री कर्दम ऋषि की तब शादी हुई। जब शादी हुई फिर कर्दम ऋषि भजन में बैठ गए, 10,000 साल तक भजन किए। अभी माता देहोति अपना पति व्रता धर्म को पालन करते हुए उन्होंने पति की उन्होंने सेवा की। 10,000 साल बाद में आंख खुला तो देखा सामने एक बुढ़िया बैठी हुई। बोले भैया ये कौन है, लेकिन उन्होंने भूल गए मैंने कभी शादी की थी।
देवत ने बोली आपको याद है आपने कभी शादी किया था? बोले हाँ। बोले तू वही देवती हो? बोले हाँ मैं तो वही देवती हूँ। इतने में देखो पति सेवा करने का कितना महत्व है, कितने पतिव्रता धर्म में कितने शक्ति है, उसकी जटाजुट हो गई। आकुति देहुति प्रसूति ये तुमने इतने सुंदरी थी, जब आंगन में ये खेलती थी स्वर्ग के देवता भी जिनका रूप देख करके मुग्ध हो जाती थी। लेकिन वो पति की सेवा करते 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 एकदम बूढ़ी बन गई, एकदम बूढ़ी बन गई। बोले बताओ तुम क्या चाहते हो? बोले आपने शादी क्यों किया था? बताओ आपने शादी क्यों किया था? भगवान से क्या वरदान मांगे थे? अगर आप बच्चे बन करके आओ के मैं शादी करूंगा। बोले हाँ। बोले ठीक है जाओ ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। स्नान करके जब उसने उठी, पहले जितने सुंदरी थी उससे भी ज्यादा सुंदरी बन गई, हजार दास दासियों को साथ में प्रकट हुई। तब श्री कर्दम ऋषि ने एक विमान सृष्टि की जिसका नाम था कामक विमान। जिस विमान में कोई पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं, कभी इतने विशाल वो विमान थी जिसमें बैठना कभी तुम्हें भूख प्यास नहीं लगेगी, कोई कभी बूढ़ा बूढ़ी नहीं होंगे, हैं? जिसमें ठंडा भी नहीं गर्मी नहीं, बड़े सुंदर राजमहल, सुंदर सरोवर, सुंदर कमल फूल खिले हुए, राजहंस क्रीड़ा कर रहे हैं, और वो विमान में बैठ करके उन्होंने आकाश मार्ग में उड़ते रहे। देखो पहले जो साइंस था ना, ये विमान रावण के पास में पुष्पक विमान था ना, अभी जो एरोप्लेन है वो कहाँ से प्रकट हुई है, इन लोगों ने निकाले कहाँ से? कहते हमारे वेदों में, हमारे भागवत में पहले ये सब बात बोल चुके हैं, ये सब बात पहले बोल चुके हैं। अभी साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके ये सब चीज को निकालते हैं, लेकिन वो ऐसे विमान है बगैर डीजल और पेट्रोल की जरूरत नहीं। कामक मतलब जैसे चाहोगे वो विमान वैसे ही उड़ेगा, आकाश मार्ग में उड़ते रहे। और उनको बड़ी प्यारी प्यारी उनको नौ बेटी हुई। कर्दम ऋषि बोले देहुति अभी तो खुश हो गए ना, अभी तेरे नौ नौ बेटी हो गई। बोले नहीं, भगवान तो अभी बच्चे बन करके नहीं आए ठाकुर जी। तब तो उन्होंने बड़ी पतिव्रता धर्म को साथ में पति की सेवा की, तो भगवान स्वयं इनकी बेटा बन करके आए। बोले श्री कपिल भगवान की जय। अभी ठाकुर जी से वरदान मांगे थे तब तक संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए, नहीं तो मैं भक्ति करने के लिए चला जाऊंगा। लेकिन घर में अगर बेटी आए तो पिता माता का पहला कर्तव्य है पहले बेटियों को सबसे पहले शादी दिलवाओ। आप लोगों ने बेटियों को किसने शादी करवाए हो? कौन कौन बेटियों की शादी दिलवाए? हाथ उठाओ तो कौन कौन बेटियों को शादी दिलवाए? आप देखना जब एक बेटी शादी देते हो पूरा घर खाली हो जाती है। और इनका कितने कितने बेटियां हैं? कहते इनके 9 बेटियां हैं। अब ये 9 बेटियों को शादी करना कोई साधारण बात है? लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं भैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। अगर आप भगवान की भक्ति करो ना, ठाकुर जी सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं, सारे ठाकुर जी व्यवस्था कर देते हैं। आप नरस भगत का नाम सुने होंगे, ये दिन रात ठाकुर को भजन करता था। लेकिन इसी घर में बेटी है, अभी बेटी शादी के लायक हो गई, अभी बेटी को कौन शादी करवाएगा? स्वयं ठाकुर जी सावरिया सेठ बन करके जाते हैं और बड़े धूमधाम से उनकी शादी करवाते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी उन्होंने अपना 9 बेटों को लेकर के अपना कर्दम ऋषि को पास में आए, इनको पास में 9 बेटे और इनको पास में 9 बेटी। बोले भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य को जल्दी जल्दी कर देनी चाहिए। इसलिए एक साथ में उन्होंने 9 बेटियों को उन्होंने शादी करवा दिया, घर खाली हो गया। अभी श्री कपिल मुनि श्री कर्दम ऋषि अभी भजन करने के लिए चल पड़े तो यहाँ प्रश्न करते हैं। बोले भैया भजन तुम किसको करने जा रहे हो? बोले ठाकुर जी को। बोले ठाकुर तो तुम्हारे घर में बेटे बन करके बैठे, फिर तुम भक्ति करने के लिए किसकी जा रहे हो? हाँ देखो ध्यान देकर सुनो। कहते भगवान घर में रहने पर भी फिर ये भजन करने का क्या जरूरत, ये चीज को अच्छे तरह समझो। बोले जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हमारे हृदय में
भगवान के प्रति प्रेम प्रकट नहीं होना। अगर ठाकुर जी स्वयं भी आ जाए भैया तुम्हारे कोई लाभ होने वाले नहीं। जैसे रावण ने, वो रावण भी राम को देखा है, देखा कि नहीं रावण ने राम को, वो तो माता सीता को ही उठा कर ले गया। फिर भगवान राम के साथ में युद्ध किया है। मेघनाथ भी राम लक्ष्मण को देखा, लेकिन उन्होंने क्या किए, लक्ष्मण को ऊपर शक्ति शैल की प्रहार की, राम लक्ष्मण को नागपाश बंधन में बांध दिए। कंस ने भी कृष्ण को देखा लेकिन लड़ाई की। शिशुपाल दंत वक्र भी कृष्ण को देखा, कृष्ण सामने खड़े हुए, शिशुपाल तो 101 गाली ठाकुर को निकाला है। तो उसका हृदय यहाँ परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? यहाँ शिक्षा देते हैं, जब तक हृदय में भगवान के प्रति हमारी प्रेम नहीं हो, अगर ठाकुर जी भी आ जाए ना, हमारे कोई लाभ नहीं होगा। देखो ठाकुर तो बैठे हैं, ये ठाकुर जी बैठे हैं ना, ठाकुर जी बैठे हैं, देख रहे हो ठाकुर जी को। लेकिन चूंकि हमारे हृदय में प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, इसलिए हमारी इतना लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान रहते हुए भी श्री करदम ऋषि भजन करने के लिए चले गए। अभी घर में दो व्यक्ति, माँ और बेटा है, लेकिन माँ को पता है मेरे जो बेटा है भगवान है। एक दिन माँ स्वयं आकर के बेटे को पास में प्रणाम करते हुए कहती, बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाती हूँ, मन बड़ा मेरी चंचल रहता है, बताओ मेरी उद्धार कैसे होगी। तब भगवान ने अपना माँ को लक्ष्य करते हुए उन्होंने हम सबको उन्होंने दिव्य ज्ञान की प्रदान की। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, देखो ये जो ज्ञान ऐसे की चीज है, जिसको हृदय में वो ज्ञान प्रकट हो जाए ना, वो व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बना देती है। लेकिन यहाँ पर माँ कर्तव्य क्या है, माँ से बेटा सीखे, लेकिन यहाँ पर बेटे से माँ अभी प्रश्न कर रही है। मतलब यही है, ज्ञान जिसको पास में उसको सर्वश्रेष्ठ की ज्ञान बना देती है। तब भगवान ने माँ को लक्ष्य करते हुए बोले, बोले मैया, बोले मन एव मनुष्याना कारण बंध मोक्षैव, बोले जो मन है यही मुक्ति का कारण, यही मन ही बंधन का कारण है। माँ जब ये मन को तुम साधु संघ में लगा दोगे, यही मन मुक्ति के कारण बन जाएगी। जब यही मन को कोई विषय में लगा दे, फिर ये बंधन का कारण बन जाती है। इसलिए माँ एक ही काम कर, तो संतों की तुम संग करो, संत की संग से ही तुम्हारी कल्याण हो जाएगी। बोले बेटा तुमने तो बता दिया सत संग करो, लेकिन साधुओं को पहचानना भी तो बड़ा कठिन है, हैं? विशेष करके कलयुग में तो बहुत बहुत ही कठिन है साधु संतों को पहचानना। कुछ तुम लक्षण हमें बता दो, जिस लक्षण से हमें पता चले जाए ये साधु है। तो भगवान संतों के लक्षण कहते हैं, बोले दितिक सब कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात सात्र वसंत साधु भी साधु भूषणम। बोले संतों का जो पहला लक्षण है, कहते सहन करना। ध्यान देकर सुनो, ये सहन ऐसे की चीज है ना, घर में हो नहीं तो वन में हो, अगर तुम्हारे अंदर में सहन शक्ति नहीं हो ना, कहीं भी शांति में नहीं रह सकते हो। इसलिए कहते जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो नाश हो जाए। इसलिए भक्ति जगत में सहन करनी चाहिए। हमारी संप्रदाय में एक संत थे जिनका नाम था हरिदास ठाकुर। ये संत दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे। कितना लाख हरिनाम करते थे? 3 लाख। 1 लाख जो हरिनाम करते थे वो जोर जोर से, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण, कोई पीछे बोल नहीं रहे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। उस समय था मुसलमान पीरियड, लेकिन ये मुसलमान घर में ये जन्म हुआ था, लेकिन करता था भगवान का नाम। किसने जाकर के राजा को शिकायत कर दी, बोले महाराज वो जो हरिदास ठाकुर
ये हिंदुओं का जो नाम ठाकुर का वो हरिकृष्ण नाम कर रहा है। राजा उसको बुलाया, बोले भैया तू इतने भाग्य से तू मुसलमान घर में जन्म लिया, जब हम हिंदुओं का परछाई तो स्पर्श करते हम स्नान करते हैं और तू मुसलमान घर में जन्म लेकर के हिंदू ठाकुर का हरे कृष्ण नाम कर रहे हो, खबरदार कलमा उच्चारण कर, ये हरे कृष्ण नाम नहीं कर सकते हो। उसने कहा देखो ठाकुर थोड़ी कोई दो है, भगवान तो एक ही है, भगवान ही एक है, उसको कोई कृष्ण कोई आला कोई गढ़ कहते हैं, लेकिन ठाकुर तो एक ठाकुर थोड़ी दो है, और मेरे मन में तो अच्छा लगता है ये हरे कृष्ण नाम लेने के लिए, इसलिए भैया मैं तो हरे कृष्ण नाम जप करूंगा। बोले खबरदार अगर तू ये हरे कृष्ण नाम किया ना तेरे को बोटी बोटी कर काट डालेंगे। बोले भले ही बोटी बोटी कर काट डालो, भगवान का नाम कभी मैं नहीं छोड़ सकता, भगवान की भक्ति में नहीं छोड़ सकता हूं। तो उन्होंने 5-6 सिपाही को भेज दिया कोड़े लेकर के। बोले उसी समय 22 मार्केट था, 22 मार्केट था, बोले सबको सामने इतने बुरी तरह से उसको पिटाई करो, अगर कोई मुसलमान घर में जन्म लेकर के अगर ये हिंदुओं का धर्म हरे कृष्ण नाम करते हैं उसको क्या दंड मिलता सबको देख कर पता चले। उसको ऐसे बुरी तरह से पिटाई की ना, लेकिन उसको जितने जोर जोर से मार रहे थे ना वो उतना जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जोर जोर से ठाकुर का नाम ले रहा था। देखो एक व्यक्ति को एक व्यक्ति अगर मारना खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको 5-6 व्यक्ति कोड़े से बुरी तरह से मार रहे थे, लेकिन उसको कुछ नहीं हो रहा था। इतने में वैकुंठ से भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के आ गए। क्यों? भगवान स्वयं कहते हैं हे अर्जुन न मे भक्ता प्रणशति, मेरे जो भजन करता है ना उनका कभी विनाश नहीं होता। भगवान स्वयं अर्जुन को देकर प्रतिज्ञा करवाते हैं, भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के आ गए मारने के लिए। लेकिन देखो कितना संत हृदय नवनीत समाना, जब ठाकुर जी आ गए, लेकिन वो संत ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे, बोले प्रभु ये अज्ञानी है, इनको पता नहीं भगवान को बाहर में, इसलिए ये मेरे को मार रहे हैं, ठाकुर जी आप इनको माफ कर दो, आप इनके माफ कर दो। ठाकुर जी चक्र लेकर के आए और वो बोल रहे हैं इनके माफ कर दो। भगवान ने क्या किया जानते हो? उसको अपना शरीर में भगवान उनको पकड़ लिए। जब पकड़ लिए जितने पिटाई हुई ना किसको हुई? ठाकुर जी को। 22 बाजार में पिटाई की बुरी तरह से, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? सारे प्रहार ठाकुर जी को ऊपर पड़ रहा था, जब किसी तरह से उसने मरा ही नहीं, ये तो आश्चर्य में पड़ गए। भैया लगता है ये जिंदा पीर है, कोई जीवंत महापुरुष है। बोले भैया अगर तुम मरोगे नहीं ना राजा तो हमें मरवा डालेगा। बोले ऐसे कभी हो सकता है 5-6 व्यक्ति किसको मारे वो मरेगा नहीं, वो हमें मरा देगा। बोले ठीक है अगर तुम्हें कष्ट होता है पर मैं ही मर जाता हूँ। वो बैठ करके समाधि हो गए, मरते ही नहीं, वो समाधि में बैठ गए, बोले मानो मर गया। उसको लेकर के राजा को सामने फेंक दिया। बोले एक काम करो, ये हिंदू घर में मुसलमान घर में जन्म लेकर के हिंदुओं का ठाकुर का नाम लिया, खबरदार इसको कब्रगाह मत दो, देने से ये स्वर्ग चला जाएगा, इसको क्या करो? उसको गंगा में फेंक दो। उनको तो पता नहीं गंगा पानी क्या है, जब गंगा में फेंक दिया ना वो थोड़ी मरा था, वो तो समाधि में बैठा था, फेंक दिया तो दूसरे किनारे में लगे फिर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले भैया ये तो मर गया था, जिंदा कैसे हो गया? फिर ये जिंदा कैसे हो गया? सब लोग आश्चर्यचकित में पड़ गए। लेकिन जिन लोगों ने मारा था ना इनको, इन्होंने तो उनको माफ कर दिया था, लेकिन ठाकुर जी उनको माफ नहीं किए, कहते उनको वंश समेत समाप्त हो गया। क्योंकि जब किसी शुद्ध साधु के ऊपर में अत्याचार करोगे ठाकुर स्वयं सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते देखो भक्ति करने के लिए हमें सबसे पहले सहन शक्ति हो, ऐसे नहीं थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध आ रहा है, थोड़ी थोड़ी बात में मचल जाओगे पर भक्ति कैसे करोगे भजन कैसे करोगे। इसलिए पहले संतों का लक्षण है तितिक्षा,
बोले दूसरा लक्षण क्या है, बोले कारुणिक, संत बड़े दयाल होते हैं। बोले सुहृद सर्वदेहिना है, जगत में बस वसुधैव कुटुंबकम, वो मानते हैं हम एक पिता की सबके सब बच्चे हैं, हम सबके सब एक ही परिवार के, हम कोई अलग नहीं, और सभी के हृदय में वो ठाकुर जी को दर्शन करते हैं। इसलिए अजात शत्रु, बोले जगत में उनका कोई भी शत्रु नहीं, जगत में सबको वो अपना मित्र मानते हैं। ऐसे ही संतों की 26 लक्षण बताए, लेकिन बोले देखो संतों की एक विशेष लक्षण है। बोले वो विशेष लक्षण क्या है, बोले मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बंती जय दृढ़। देखो आप लोग भी ध्यान देकर सुनो, ये स्वयं ठाकुर जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। बोले जो मेरी एकांत का भक्त है ना, बोले मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बंती, वो मेरे को एकनिष्ठ होकर के भक्ति करते हैं। देखो बहुनिष्ठ होने से भक्ति नहीं होता है, बहुनिष्ठ से प्रभु की भक्ति नहीं होती, एकनिष्ठ से भक्ति होती है। जैसे मीरा, मीरा का नाम सुने हो, कौन कौन मीरा का नाम जानते हो, जानते हो ना, मीरा क्या कहती है, मेरे तो गिरिधर गोपाला, उसको बाद में क्या बोल, ये गोपी कहती है, मीरा कहती है ना, जब उद्धव जी ब्रज में आए, गोपियों को ध्यान की बात बताए, बोले देखो कृष्ण तो कण कण में रहते हैं, कहां नहीं बताओ कृष्ण सब जगह, इसलिए कृष्ण को ध्यान कर। गोपियां क्या कहती है, बोले उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध ईस। तुम ध्यान की बात कर रहे हो ना, मन थोड़ी दस बीस, मन तो एक ही है, लेकिन जब कृष्ण गए ना उनको साथ में मन ही चला गया, इसलिए मन से तो ध्यान होता है ना, मन तो हमारे पास में है ही नहीं, फिर ध्यान कैसे करेंगे। गोपियों की बोली है, हैं? इसलिए कभी हनुमान जी को बोले, जब हनुमान जी मथुरा आए ना, बोले कृष्ण को प्रणाम करो, कभी तुलसीदास जी भी आए थे, बोले भैया यहाँ पर द्वारकाधीश के प्रणाम करो, लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते, बोले नहीं मेरे प्रभु धनुषधारी हैं, इसलिए तब तक ये तुलसीदास श्री नहीं नमाएगा जब तक आप धनुष धारण नहीं करोगे। इसलिए तुलसीदास के लिए ठाकुर जी को धनुष धारण करना पड़ा, तब जाकर के तुलसीदास ने अपना सर पर निभाया। यहाँ पर शिक्षा देते, जो भक्ति है ना बहु निष्ठा से भक्ति नहीं होती, भक्ति एक निष्ठ होनी चाहिए, एक निष्ठ होनी चाहिए, हैं? इसलिए एक निष्ठ से भक्ति करो, सबको सम्मान दो, किसी को असन्मान मत करो, लेकिन दिल में ना एकनिष्ठ, जैसे हनुमान जी अपना हृदय में किसको बैठा कर रखते हैं, किसको बैठा कर रखते हैं, राम को बैठा कर रखते हैं। इसलिए गोपियां किसको बैठा कर रखती हैं, अगर कोई बोलेगा क्यों सारा दुनिया को पूजा करनी चाहिए ना, नहीं, भक्ति बहुनिष्ठ से भक्ति नहीं होती है। हमारा मन एक है, मन दस बीस नहीं, सबका सम्मान दो, लेकिन अपना दिल में है ना, मेरे तो गिरिधर गोपाला, बोलो मेरे तो गिरिधर गोपाला, दूसरों ना कोई। हाँ, इसलिए देखो जैसे किसी एक लड़की शादी होकर के आती है, लेकिन उसका जेठ भी होती है, देवर भी होता है, ननद भी होती है, लेकिन सबका सम्मान तो देती है, लेकिन हृदय में किसको बैठा कर रखती है, बोलो किसको, दिल में किसको स्थान देती है, अगर कहीं इधर उधर हुआ तो किसको लेकर अलग हो जाती है, कोई बोलेगा क्यों अपना पति को क्यों दिल में बैठाती, नहीं, यही पतिव्रता धर्म की यही लक्षण है। इसलिए भगवान कहते माँ जो भक्ति है, मई अनन्य भावेन भक्ति, जो मेरे को अनन्य रूप में जो भक्ति करते हैं वो एकनिष्ठ भक्ति, इसी भक्ति से मुझे प्राप्त करेंगे, बहुनिष्ठ होने से मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इन्होंने माँ को बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञान की बात बताई। फिर भगवान कपिल देव कहते माँ भले ही किसी कुल में क्यों जन्म नहीं हो, अगर वो मेरी भक्ति करते हैं ना वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, लेकिन भले ही ब्राह्मण कुल में क्यों जन्म नहीं लो, उसके अंदर में सारे गुण द्वादश गुण क्यों युक्त नहीं हो, अगर वो मेरी भक्ति नहीं करती हैं, कहते तो उनका कल्याण नहीं, इसलिए माँ मेरे को कनिष्ठ पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।
दे करके भगवान कपिल देव चले गए गंगा सागर में। हैं अभी साल में ठाकुर जी को मकर संक्रांति का दिन एक बार ठाकुर जी को दर्शन मिलता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पर कथा आती है जो तीन बेटियां थी आकुति देहूति और प्रसूति। कहते ये प्रसूति को साथ में दक्ष प्रजापति की शादी हुई लेकिन दक्ष प्रजापति इनकी 16 बेटी हुई और सबसे जो छोटी बेटी थी ना ये मृगनयनी ये सती सबसे सुंदरी थी लेकिन इस सती की शादी श्री भोले बाबा को साथ में हुई लेकिन जवानी अवस्था में उसने शरीर को त्याग दिया। सुत गोस्वामी प्रश्न करते बोले क्यों। बोले ससुर और दामाद की लड़ाई हो गई। बोले किस लिए। शंकर तो सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी वो तो देवदेव महादेव है पर ससुर के साथ में लड़ाई क्यों हुई। बोले बड़ी लंबी कथा है। बोले जिस समय ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति को उन्होंने प्रजापति पद में नियुक्त कर दी बोले प्रभुता पाई का मदनाई। बोले एक समय हैं एक समय कुंभ मेला में वहां पर सारे देवता लोग एकत्रित हुए थे सारे देवता लोग आए हुए थे लेकिन दक्ष प्रजापति जान बूझ कर उन्होंने लास्ट में आए आकर के देखा कौन मेरे को सम्मान कर रहे कौन मेरे को असम्मान कर रहे ऐसे ऐसे चारों तरफ में देख रहा था। बोले सारे देवता तो खड़े होकर के सम्मान की लेकिन दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए एक ब्रह्मा जी एक शंकर जी। बोले भैया कोई बात नहीं ब्रह्मा तो पिताजी लगते हैं लेकिन इस शंकर तो मेरे दामाद है दामाद तो बेटा होता है और मैं ससुर आया थोड़ी सी खड़े होकर सम्मान नहीं कर पाए। भरी सभा में उन्होंने शंकर जी को ऐसे अपमान ऐसे गाली शंकर जी को दिए देखो बंदर जैसे आग कैसे हैं धदुरे खा करके एकदम हैं उसमें मस्त हैं और मैं ससुर आया हूँ मैं अपना सबसे छोटी बेटी जो मृगी नयनी सबसे सुंदर थी सती ब्रह्मा जी बोलने पर मैं अपना बेटी को शादी करवाया इससे लेकिन देख कैसे धूर्त है ये कैसे मैं आया तो थोड़ी सी खड़े होकर सम्मान नहीं कर पाए। लेकिन शंकर जी बैठे बैठे करके मुस्कुरा रहे थे। अगर किसको आप गाली दो अगर मुस्कुराएगा क्या होगा बताओ फिर क्रोध आएगा हैं फिर उसको क्रोध आया फिर उन्होंने शंकर जी को फिर उन्होंने गाली दी हैं शंकर जी को उन्होंने फिर गाली दी। देखो यहाँ प्रश्न होता है भैया शंकर जी क्यों खड़े होकर थोड़ी सम्मान नहीं दिया ये चीज को समझो क्योंकि जो शंकर जी सत्यम शिवम सुंदरम इनसे कभी भूल हो ही नहीं सकता है शंकर जी से। शंकर जी देव देव महादेव और वैष्णव नाम जथा संभो कहते भगवान की सबसे अगर दुनिया में कोई बड़ा भगत है ना कहते ये भोले बाबा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं शिव सम कौन रघुपति व्रतधारी शंकर जी के बराबर जगत में भगवान की बड़े भक्त कौन हो सकता है। इनकी बगैर ठाकुर को कोई लीला ही नहीं हुई। जब कृष्ण आए ये गोपीश्वर बनकर के आते हैं जब राम आए स्वयं हनुमान बनकर के आते हैं ठाकुर को सेवकाई करते हैं शंकर जी इनसे तो गलती कभी हो ही नहीं सकती फिर उन्होंने खड़े क्यों नहीं हुए ये चीज को समझो। इसमें उन्होंने दो कारण बताया। पहला कारण बताए शंकर जी उसी समय में आप देखना शंकर जी कभी भी आप देखोगे वो ध्यान में बैठे हुए देखो हर समय देखोगे आंख बंद किए हुए प्रभु की चिंतन में डूबे हुए देखोगे। एक तो वो ठाकुर जी के चरण में डूबे हुए थे उनको कहीं ध्यान नहीं था और जो व्यक्ति ठाकुर जी के चरण में डूबा हुआ होता है ठाकुर जी के चरण में प्रणाम कर लेना भगवान कृष्ण दिखाए ना देखो मैं कौन हूँ विश्व ब्रह्मांड का मैं मालिक हूँ। इसलिए जैसे पेड़ का जड़ में पानी दे दो सारे वृक्ष में पानी अपने आप पहुंच जाता है जैसे मुंह में भोजन दे दो भोजन सारी जगह पर भोजन पहुंच जाती है उसी तरह जब हम भगवान को भक्ति कर देते हैं वो भक्ति सबकी हो जाती है। इसलिए शंकर जी ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। जब ठाकुर जी को प्रणाम कर लो ना जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई ये पहला कारण है। दूसरा कारण बताए शंकर जी प्रणाम क्यों नहीं किया। बोले शंकर जी कौन है कहते संत तीन तरह के साधु होते हैं एक कनिष्ठ एक मध्यम एक उत्तम। कहते जो उत्तम संत हैं
वो शरीर नहीं देखते हैं, सभी का हृदय में जो परमात्मा रूप में जो ठाकुर जी बैठे हुए सभी का हृदय में वो ठाकुर जी को दर्शन करते हैं। इसलिए शंकर जी दक्ष प्रजापति के हृदय में जो ठाकुर जी जो बैठे हुए हैं उन्होंने उनको प्रणाम किया है। लेकिन ये कौन है? बोले दक्ष प्रजापति। बोले दक्ष मतलब किस चीज में दक्ष है? बोले संसार का सृष्टि में दक्ष है, भक्ति में दक्ष नहीं है। इसलिए शंकर जी की जो उच्ची भावना को वो समझ नहीं सके, इसलिए शंकर जी को गाली दिए। लेकिन शंकर जी सब कुछ सुन करके भी जैसे बीस पान करके उन्होंने हजम कर लिया, शंकर जी सब कुछ सुन करके भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। इतने में जब कुछ नहीं बोले वहां पर नंदी बैठा हुआ था, कहते हरि हर निंदा सुनई जे काना, होई पाप को घात समाना। नंदी को तो बड़ा क्रोध आया, बोले शंकर जी अगर तीसरा नेत्र खोल देना विश्व ब्रह्मांड को संहार कर सकते हैं। शंकर जी चुपचाप बैठे हुए इसका तो लाभ उठा रहे हो और गाली को ऊपर गाली देते जा रहे हो, तो हैं? इसलिए इतने में नंदी ने अभिशाप दे दिया, बोले जाओ तो बकबक 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 करते जा रहे ना, मैं अभिशाप देता हूँ तेरे सर कट करके तेरे सर में बकरी का सर लग जाएगा। जो उन्होंने ये अभिशाप दे दिया, अभिशाप देते ही वहां पर तो भृगु ऋषि बैठे हुए थे, बोले तू बीच में कौन होता है बोलने वाले? ये दामाद ससुर की लड़ाई, तू बीच में बोलने वाले कौन होता हूँ? उन्होंने तो खड़े होकर के उन्होंने वो भी अभिशाप दे दिए, बोले जितने शंकर जी के भक्त होंगे ना सब पाखंडी होंगे, हैं? सबके सब स्मशान में बैठेंगे, दारू पिएंगे, नशा करेंगे, भ्रष्टाचार, इनकी व्यवहार भ्रष्टाचार होगा। उन्होंने जितने शंकर जी के भक्त थे ना सबको उन्होंने भ्रष्टाचार बना दी। इतने में नंदी को तो सहन नहीं हुआ, बोले जितने शंकर जी के भक्तों को तुमने गंजड़ी भंगड़ी तुमने बना दिए, मैं भी अभिशाप देता हूँ कलयुग में जितने ब्राह्मण होंगे सब भीख मांगने वाले होंगे, सब दर दर भटकते रहेंगे सबके सब। शंकर जी ने देखा भैया ये तो स्वागत समारोह हो रहा था लेकिन तो यहाँ सापासा भी शुरू हो गया। इतने में शंकर जी कुछ भी नहीं बोले और उन्हें चुपचाप होकर चले गए। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा दी है, यहाँ पर शिक्षा देते हैं भैया यहाँ पर जो भृगु ऋषि ने अभिशाप दिए कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन नंदी कौन है? शंकर जी की बहन, वो भी जो बोला वो भी नष्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों का वाक्य सही है। शंकर जी चुपचाप बैठ कर क्यों सुन रहे थे? बोले जो बोल रहे ना सही बोल रहे, ये गलत नहीं बोल रहे। यहाँ पर जो अभिशाप दिया ब्राह्मण को, ये कौन सा ब्राह्मण को अभिशाप दिया? बोले कर्म कांड, साधु भक्ति करने वाले ब्राह्मण को अभिशाप नहीं, वो तो संत होते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण को। फिर इन्होंने जो शंकर जी के भक्तों को अभिशाप दिया, देखो ये चीज को अच्छे तरह से समझो, शंकर जी के दो रूप है, एक रूप तो इनका रुद्र स्वरूप है और एक इनका रूप सदाशिव स्वरूप है। जो ये सदाशिव स्वरूप को भक्ति करते हैं, शंकर जी कौन है? ये परम संत है, परम साधु शंकर जी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखते हैं ना, पहले शंकर पार्वती को गुरु रूप में वंदना करते हैं, बोले इनकी कृपा के बगैर जीव को भक्ति नहीं मिलेगी। ये भागवत सर्वप्रथम किसने सुनाए? शंकर ही माता पार्वती को सुनाए। ये रामायण किसने लिखी? बोले शंकर जी ने ही रामायण लिखी है। ये परम संत है शंकर जी, इनकी कृपा से भगवान की भक्ति और भगवान की प्रेम मिलती है। लेकिन किसको उपासना करने पर? शंकर जी की सदाशिव स्वरूप को जो उपासना करते हैं। लेकिन इस शंकर जी का जो रुद्र स्वरूप को उपासना करते हैं, जो जिसको पूजा करेगा ना उसका कुछ कुछ गुण आएगा। इसलिए आप देखो अक्सर करके शंकर जी के जितने भक्त है ना, रावण है, रावण का नाम सुने कि नहीं? वो किसको उपासना करता था? शंकर जी को उपासना करता था ना शंकर जी की। देखो इनके अंदर में काम क्रोध, उनके अंदर में ये हिंसा प्रवृत्ति, इनके अंदर में ये तामसी गुण आया है। शंकर जी को उपासना कौन करता था? भस्मासुर है, वृकासुर। एक समय उसने नारद जी से मिले, बोले नारद जी ये बताओ ऐसे कौन सा देवता है सबसे जल्दी से जल्दी खुश हो जाते हैं? बोले भैया ये तो आशुतोष श्री भोले बाबा सबसे जल्दी खुश हो जाते हैं। उसने यज्ञ करना प्रारंभ की,
यज्ञ प्रारंभ किया तो ठाकुर जी शंकर प्रकट नहीं हो रहे थे, फिर अपना मांस को उसने काट काट कर आहुति देने लग गया, तब भी शंकर जी प्रकट नहीं हुए। अपना सर को काटने काट करके जब आहुति देने जा रहा था ना, इतने में भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले तृप्तम अस्मि वरम ब्रूहि, वर मांगो क्या चाहते हो। उन्होंने देखा शंकर जी की बाम तरफ में बड़ी सुंदरी है पार्वती, पार्वती तो बड़ी सुंदरी, बोले तो बड़ी सुंदरी, लेकिन शंकर तो हर समय ध्यानस्थ में बैठे हुए रहते हैं, फिर इतने सुंदर स्त्री को लेकर वो क्या करेंगे, किसी तरह से पार्वती को छीननी चाहिए, लेकिन जब तक ये भोले बाबा रहेंगे ना तब तक इनको छीन नहीं सकता हूं, पहले ये शंकर जी को मारो। इसलिए बोले वर मांगो, बोले मैं जिसके सर पर हाथ रखूंगा वही जल करके राख हो जाएगा। उन्होंने शंकर तो भोले बाबा, उन्होंने वरदान दे दिया। बोले बाबा आप तो वरदान दे दिए, अभी मैं परीक्षा करना चाहता हूँ ये सही ना गलत है। अभी शंकर जी के सर पर हाथ रखने के लिए गई, बोले मैंने वर दिया मेरे सर पर हाथ रखोगे, बोले और किसको सर पर। शंकर तो वहां से भगे और उसको पीछा, ये दैत्य पीछा नहीं छोड़ रहा था। इतने में उन्होंने ठाकुर जी की शरण में शरणागत हो गए। भगवान कृष्ण एक बालक बनकर प्रकट हुए, बोले कहाँ जा रहे हो। बोले शंकर जी ने वरदान दिए जिसके सर पर हाथ रखूंगा वही जल करके राख बन जाएगा, अभी मैं परीक्षा करना चाह रहा। बोले भैया तुम भी पागल, ये भोले बाबा दोनों ही पागल इकट्ठे हो गए। अरे जब से दक्ष प्रजापति इनको अभिशाप दिए तब से इनकी वरदान में कुछ नहीं रह गया, झूठ मूठ तुमको बोल दिए, वो पता है सर पर हाथ रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें तो भाग रहा है। अरे तेरा सर कहीं चला गया, अपना सर पर हाथ रखो ना। बोले भैया जल करके राख बन जाऊंगा तो। बोले पागल एक काम कर, हाथ को रखो, जलने से पहले गर्मी आएगी ना, हाथ रखो ऐसे। बोले हाथ रखे, बोले कोई गर्मी आ रहे हैं, बोले कुछ भी नहीं, बोले बेकार बात है, हाथ नीचे और करो। नीचे रखा, बोले कोई गर्मी आ रहे हैं, बोले कोई कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं हो तो हाथ रख रखो, बस हाथ रखा तो वही जल करके राख हो गई। इतने में शंकर जी प्रकट हुए, ठाकुर जी ने कहा भोले बाबा जब वर देते हो थोड़े सोच विचार करके दिया करो, खुद वरदान देकर खुद फंस जाते हो। बोले प्रभु मैं तो भोला भोले बाबा, मेरे को ये फंसा देते हैं, मेरे को ये फंसा देते हैं। देखो आप जिसको उपासना करोगे ना उसका गुण आपके अंदर में आएगा। शंकर जी का क्या स्वरूप, रुद्र स्वरूप है, ये रुद्र स्वरूप में शंकर जी संहार करते हैं। इसलिए आप देखना जो जो शंकर जी को पूजा सेवा की ना वो सब के सब तामसिक गुण, लेकिन भगवान विष्णु को स्वरूप जो उपासना करते हैं सबके सब सात्विक संपन्न है, निर्गुण है, भगवान की भक्त है। इसलिए शंकर जी की सदाशिव स्वरूप को पूजा करना, उनकी रुद्र स्वरूप को पूजा नहीं करनी चाहिए। और शंकर जी परम वैष्णव है, वो भगवान की भक्ति और भगवान के प्रेम को देने वाले शंकर जी, उनसे भक्ति मांगो आपको ठाकुर जी की भक्ति प्रेम, ये शंकर जी और माता पार्वती प्रेम देने वाले, ठीक है ना। बोले श्री भोले बाबा की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। फिर श्री दक्ष प्रजापति ने शंकर को अपमान करने के लिए कनखन में फिर यज्ञ किया, लेकिन सबको तो निमंत्रण दिया लेकिन भोले बाबा को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिए। और सबके सब उनका जो बहनियां थी ना विमान में बैठ करके सब यज्ञ में जा रही थी, और वहां पर माता सती तो आग फाड़ फाड़ कर देख रही थी, कैसे बहनी लोग जा रहे हैं, दामाद जा रहे हैं। देखो शादी के बाद में बेटियां सब चली जाती हैं अपना घर में, लेकिन कब एकत्रित होते हैं, अगर पिताजी के घर में कोई उत्सव हो ना फिर सबको पिताजी निमंत्रण देते हैं, सारे बहनी दामाद इकट्ठे होते हैं, यही गृहस्थ जीवन का आनंद है। लेकिन माता सती तो देख देख करके हैं, उनके मन में तो खिलबिली मच रहा था, मैं भी जाऊं पिताजी को पास में, पिताजी जो हमें उपहार देंगे उसको भी मैं लेकर के आऊं। इतने में सती ने शंकर जी को बोले देखो आपका जो ससुर है ना यज्ञ कर रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। शंकर जी बोले देखो मेरे पास में कोई निमंत्रण नहीं आया। बोले देखो ऐसे कुछ स्थान है जहां बगैर निमंत्रण के भी जा सकते हैं, जैसे गुरु जी का आश्रम पर, पिताजी के घर में, ठाकुर का दरबार में कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं, अपने आप जा सकते हो। लेकिन शंकर जी को पता है वो जो यज्ञ कर रहे हैं ना मेरे को अपमान करने के लिए कर रहे हैं,
पार्वती तो बड़ी छटपट छटपट सती ने छटपट करते रही, शंकर जी कोई आदेश नहीं दिए, नहीं दिए तो माता सती को सहन नहीं हुई, माता सती वहां से निकल पड़े। जब निकल पड़े शंकर जी को पता ही वापस नहीं आ जाएगा। देखो ये चीज को अच्छे तरह से सुनो, घर से अगर कोई पत्नी अपना पीहर जाए पति को पूछना चाहिए कि नहीं? आप लोग बताओ, पति को पूछ करके जाना चाहिए ना, अपनी आप चली जानी चाहिए? आप लोग जोर से बोलो जाए। लेकिन यहाँ सती ये जगदम्बा जगत जननी है, फिर ये बिना पूछे शंकर जी को कहीं फिर क्यों गए? क्योंकि जो बड़े व्यक्ति जो करेंगे ना, छोटे व्यक्ति तो वही सीखेंगे ना, पहले पूछो शंकर जी की। शंकर जी बोले नहीं, मनमानी चल पड़े। देखो इसमें एक बहुत बड़ी रहस्य है, इसमें बहुत बड़ी रहस्य। बोले क्या रहस्य है? बोले जिस समय रावण ने माता सीता को उठा करके ले गया, उसी समय में भगवान राम हा सीते करके पागल होकर के लता पताओं को पूछ रहे थे। इतने में शंकर जी सती को साथ में दूर से परिक्रमा कर रहे थे। इतने में सती की शंका हो गई शंकर जी को ऊपर में, बोले आप किसको प्रणाम कर रहे हो? आप जो परम ब्रह्म परात पर श्री राम की कथा सुनाते हो, ये क्या वही राम? ना, ये कोई साधारण जीव है, क्योंकि मेरे को पता है रावण ने असली सीता को नहीं नकली सीता को उठा करके ले गए, और वो अभी भी वो कहां पर? अशोक वाटिका में भी, मेरे को पता है। अगर ये घटघट वासी होते इनको क्या पता ही नहीं ये बात इनको। इतने में शंकर जी समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन सती ने समझी नहीं, शंका कर दी। देखो कभी भी गुरु जी की वाक्यों के ऊपर में, शंकर जी उनको गुरु भी है पति भी है, कभी भी गुरु जी की वाक्य में, कभी भी शास्त्र वाक्य में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। अगर शंका करोगे ना, देखो ये शंका कितने दूर तक पहुंचा। उसने फिर सती ने सीता के रूप धारण की, लेकिन राम पहचान गए। बोले माता जी, भोले बाबा तो उधर से चले गए, फिर अब इधर कैसे आ गए हो? बोले ये तो पहचान गए। फिर प्रणाम करके जब खड़ी हुई, देखा सिया राम है सब जग जानी, सर्वत्र सीताराम सीताराम सीताराम। भगवान ने कहा सीता मेरे से कोई अलग नहीं, हम एक ही है, केवल ये लीला करने के लिए दो हुए हैं। इतने में गए फिर शंकर जी के पास में, शंकर जी ने पूछा तूने परीक्षा की है? देखो अगर हमारी कोई गलती हो जाए ना, सीधा गलती को स्वीकार कर लो, फिर ये माफ हो जाती है। लेकिन सती ने फिर झूठ बोल दी। क्या झूठ बोली? बोले प्रभु आप कभी झूठ थोड़ी बोल सकते हो, आपने जो बोला सही, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया मैंने सीता रूप धारण करके परीक्षा की। शंकर जी ध्यानस्थ हुए, कौन सा रूप में परीक्षा की? उन्होंने सब कुछ देख लिया, मेरी माता की रूप धारण की। शंकर जी हृदय से फिर अपना पत्नी को सती को त्याग दी। जब त्याग दी ना, इतने में आकाश से देवताओं ने पुष्प की बौछार की और बोले श्री भोले बाबा की जय। सती तो समझ नहीं पाई ये देवता क्यों जय जयकार किया उन्होंने, क्योंकि इनकी मन की भावना देवता समझ गए। देखो एक बार पत्नी ने माँ सीता के रूप धारण की, इसलिए जीवन भर के लिए उन्होंने अपना पत्नी को उन्होंने पत्नी रूप में त्याग दिया। कितने बड़ी संकल्प है उनकी। इसलिए लास्ट में फिर सती को, सती सुजग ढूंढ रही थी कहीं ऐसे सुजग मिले, क्योंकि शंकर जी और पार्वती को गोद में नहीं बैठाते हैं, उनको बाम पार्श्व में स्थान नहीं देते, भगवान की कथा नहीं सुनाते, उन्होंने हृदय से त्याग दे दिया। इसलिए सती सोच रही थी मौका मिले ये शरीर को त्याग, अगली जीवन में पार्वती बन करके आऊंगी, फिर ठाकुर मेरे को ग्रहण करेंगे। इसलिए उन्होंने बिना शंकर के आदेश से गए। देखा सभी का यज्ञ भाग है, केवल श्री शंकर जी का नहीं, इन्होंने वहीं पर अपना शरीर को उन्होंने त्याग दे देती। शिक्षा देती हैं, जिनके प्रिय ना राम वैदेही, तेजिय कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। है बोले जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक दुनिया क्या बोलेगा मैं किसकी बेटी हूं? बोले दक्ष प्रजापति। ऐसे दुष्ट जो शंकर जी के अपमान की, इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। इसलिए उन्होंने शरीर त्याग दी। शंकर जी को पता चलते ही उन्होंने हैं इन्होंने एक जटा को उखाड़ करके उन्होंने फेंक दिए। फिर वीरभद्र प्रकट हुआ, सारे यज्ञ को तसनस कर दी फिर उन्होंने, और दक्ष प्रजापति सर काट करके उन्होंने
अग्नि कुंड में आहुति दे दिए। इतने में फिर उन्होंने जा करके श्री शंकर जी को मनाए, फिर उनका सर पर बकरी का सर लगा दी और उन्होंने माफी मांगे। फिर ब्रसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ देखो ये कथा में ध्यान देकर सुनो, ये कथा में एक शिक्षा है, कभी भी महत पुरुषों का अपमान मत करो। ये भृगु कौन था, इतने बड़े तपस्वी, वहां पर बड़े बड़े ऋषि लोग थे, लेकिन ये शंकर जी की जब अपमान हो रही थी ना, कोई तरीके से आग करके देख रहा था, बहुत बढ़िया हो रही है, शंकर जी के अपमान हो रहे थे, कोई दाढ़ी हिला रहा था, कोई दांत निकाल निकाल कर हंस रहा था, लेकिन क्या किए, जो दाढ़ी हिला रहे थे ना, जिंदा जिंदा दाढ़ी उखाड़ दिए, जो हंस रहे थे उसको दांत तोड़ दिए हैं, और जो आंख दिखा दिखा करके ऐसे ऐसे कर आंख निकाल दिए। यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर किसी महान पुरुष की, कोई साधु संत की अपमान होना, खबरदार उसमें कभी सम्मिलित मत होना है, उसको बात में बात मत मिलाया करो, नहीं तो जितने बड़े क्यों नहीं हो, तुम्हारी विनाश होने वाले हैं। ये कथा में ठाकुर जी ये शिक्षा को प्रदान करते हैं। एक भजन सुनो, शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भगतों के है मन में Oh,
चलते हैं मनु महाराज के जो बेटे थे एक उत्थानपाद और एक प्रियव्रत। कहते ये उत्थानपाद राजा के दो पत्नियां थी, एक है सुनीति और एक है सुरुचि। देखो उत्थानपाद मतलब क्या होता है, उत्थान मतलब ऊंचा, पाद मतलब प्यार। कहते जब हर जीव मातृ गर्भ में आते ही हमारी प्यार कहाँ रहता है, ऊपर में, और सर रहता है नीचे। सर नीचे और ऊपर में ये प्यार रहता है, इसलिए कहते ये कहते उनकी दो पत्नी कौन कौन है। कहते एक सुनीति और एक सुरुचि। देखना हमारी सबका भी दो दो पत्नियां हैं। कितने कितने पत्नियां हैं, दो दो पत्नी। बोले इसका मतलब क्या है, कहते सुनीति जिसकी नीति उत्तम नीति है। अगर उसकी बेटा कौन है, बोले इसका बेटा है ध्रुव। तात्पर्य है अगर जीवन में हम अच्छी नीतियों को जीवन में पालन करें ना, उसका फल क्या है, बोले ध्रुव। ध्रुव मतलब होता है सत्य, नित्य, शाश्वत है। लेकिन सुरुचि, सुरुचि मतलब स्वस्य रुचि, अपना मनमानी ढंग से जो चलने वाले, जिनकी शास्त्र वेद पुराण से जिसका कोई भी मतलब नहीं, अपना मनमानी ढंग में जो चलने वाले। कहते उसका बेटा कौन हुआ, लेकिन उत्तम हुआ। तो बेटा का नाम तो उत्तम है, लेकिन हुआ अधम। हम बाद में सुनेंगे ये सुरुचि का दुर्गति कैसे हुई। जिस समय उत्तम ने जंगल में गया था, वो गंधर्व को साथ में युद्ध करते हुए वहीं पर मारा गया। जब उनकी माँ सुरुचि बच्चे को ढूंढने के लिए गई, चारी तरफ में आग लग गई, तो आग में ही सुहा हो गई उसकी। इसलिए कहते भैया अपना मनमानी ढंग से अगर चलेंगे ना, एक दिन जल करके राख बन जाएंगे। अगर शास्त्र वचन को जीवन में उतारोगे तो फल क्या होगा, ध्रुव नाम का संतान होगा तुम्हारी। अभी पहले बड़ी पत्नी शादी हुई थी, अभी दूसरी पत्नी, जब छोटी पत्नी आई है, पहले पत्नी कैसे लगती है, चंद्रमुखी, फिर सूरजमुखी, फिर ज्वालामुखी, फिर तो लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले जब पत्नी थी सुरुचि सुनीति, वो तो पहले चंद्रमुखी लगती थी, अभी पुरानी हो गई, घर में नई बहू आई, नई बहू तो अच्छी लगती है। अभी इसकी प्रेम में उसने बसीभूत होकर के उसने बोले देखो पहले सुनीति को घर से निकाला, नहीं तो मैं घर में रहूंगी नहीं। और उन्होंने उसकी बात सुनकर घर से उसके निकाल दी है। इसका मतलब क्या है, जब स्वस्य रुचि जो अपना मनमानी ढंग से चलने वाली होती है ना, अगर जो सुनीति, सुनीति मतलब जीवन में जो प्रभु को भक्ति करने वाली, वो सुनीति है। सबसे उत्तम नीति किसकी, बोले विदुर नीति। ये नीति को सर्वश्रेष्ठ नीति बताया, जगत में चाणक्य नीति है, हैं तरह तरह का नीति है, लेकिन इस सर्वश्रेष्ठ नीति बोले श्री विदुर नीति। बोले क्यों, बोले विदुर तो उन्होंने छोटे जाति में तो जन्म हुए हैं, हैं दासी पुत्र रूप में, लेकिन उन्होंने धर्म को कभी नहीं छोड़ा, धर्म में टिके रहे। इसलिए लास्ट में उनको घर मंत्री पद को उन्होंने त्याग देना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपना धर्म को कभी उन्होंने नहीं छोड़ी। और धर्म को नहीं छोड़े तो एक दिन क्या हुआ, जब भगवान शांति दूत बन करके आए दुर्योधन को पास में, दुर्योधन ने छापान भोग छत्री से व्यंजन बना कर रखा था, लेकिन ठाकुर जी कुछ भी ग्रहण नहीं किया। और कहां पर ठाकुर जी गए, विदुर जी के घर में गए। इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की में बात्यागे, साग विदुर घर खाई, ओ साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए ठाकुर जी उसके घर में साग भाजी केले का छिलका ठाकुर जी ग्रहण किया है। इसलिए अभी एक दिन छोटा बेटा उत्तम पिताजी की गोद में बैठा था, अभी ध्रुव भी बैठना चाहा, लेकिन उनकी जो छोटी माता थी इतने बुरी तरह से गाली दी, बोले खबरदार पिताजी की गोद में बैठ नहीं सकते हो,
अगर बैठना चाहते हो पहले तुम तपस्या करो, तपस्या करके फिर मेरे कोख से जन्म लोगे ना, फिर तो पिताजी की गोद में बैठ सकते हो। लेकिन वो तो क्षत्रिय बच्चा कहाँ सहन कर सकता है, रो रो करके माँ को पास हो गए। लेकिन माँ कौन है? सुनती है। देखो ये कभी गलती सीखा कभी नहीं देगी, सुनती है ना, कभी गलती सीखा नहीं देगी। उसने बच्चे को भड़का सकता था, नहीं तू बड़ा बेटा है, राज सिंहासन में तेरा ही अधिकार, अभी तुम द्रोह करना शुरू कर दो, हाँ अभी तुम राज द्रोह करो। लेकिन ये बात उसने नहीं बताई, बोले देखो तेरी माँ ने तो गाली दी है छोटी माँ ने, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात भी बताई। बोले क्या बताई? बोले भगवान की भजन कर। उन्होंने ये बात उसने बताई, अच्छी बात बताई। देख बेटा जब तक भाग्य में नहीं होता है ना, ये राज सिंहासन में कोई बैठ नहीं सकता है। बोले ये पिता कब तक रहेंगे, राज्य कब तक रहेगा, एक दिन सब ध्वंस होने वाले हैं। लेकिन अगर ठाकुर जी की गोद में एक बार बैठ गया ना, कभी तेरे को उतरने का जरूरत नहीं। जगत का पिताजी से करोड़ों गुण जो प्रेम स्नेह देने वाले ठाकुर जी, पिताजी का क्या कौन सा पद है, वो तुच्छ पद है। ठाकुर जी की भजन करोगे ना, तेरे पितामह आदि जो जो पद को प्राप्त किया है, हैं? जो पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो श्रेष्ठ पद को तुम प्राप्त कर सकते हो। इसलिए बेटा जाओ तुम भगवान की भक्ति करो, पद्म पलाश लोचन श्रीहरि की तुम भक्ति करो। बोले माँ वो कहाँ मिलेंगे? बोले बेटा उनको पाने के लिए कठोर तपस्या करना पड़ेगा। बोले माँ मैं क्षत्रिय बालक हूँ, मेरे को तू आशीर्वाद दे। उन्होंने माँ के चरण में प्रणाम की, माँ की परिक्रमा करते हुए उन्होंने भजन के लिए गई। देखो शिक्षा देते हैं, देखो नियम है, कोई अच्छे काम के लिए जाओ ना, पहले गुरुजन का चरण छो करके जाओ, पिता माता की पहले चरण छो करके जाओ। अगर किसी काम से जा रहे हो, तुम्हारी पिता माता तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देते हैं ना, कभी कभी जो भाग्य में नहीं वो वस्तु भी मिल जाती है, हैं? कभी कभी ब्रह्मा भी जो लिखन ललाट की कभी उसको भी मिटा देते हैं, पिता माता की इतने आशीर्वाद का इतना फल है, हैं? इसलिए माँ की चरण छू करके उन्होंने भजन करने के लिए गए। इतने व्याकुल हो गए भगवत प्राप्ति के लिए, इतने व्याकुल हो गए ध्रुव जी, भगवान की आसन तक भी हिल गया। एक दिन माँ लक्ष्मी ठाकुर जी की चरण सेवा कर रही थी, ठाकुर जी बड़े चंचल हो रहे थे। बोले प्रभु जी आप इतने चंचल क्यों हो रहे हो? बोले एक छोटा बालक मेरे को पाने के लिए एकदम उतावला हो रहा है। बोले प्रभु जाओ दर्शन दो। बोले देखो अभी तक उसने गुरु नहीं बनाया है, अभी तक उसने गुरु नहीं बनाया। जब तक कोई गुरु नहीं बनाते है ना, तब तक मैं उसको दर्शन नहीं देता हूँ। बोले प्रभु जी आपका इच्छा से तो हो जाता है। बोले हाँ ये तो हो जाता है। इतने में उन्होंने श्री नारद जी को स्मरण किए। नारद जी वहां पर बिना बजाते बजाते बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय प्रकट होते हैं। देखो एक चीज को समझो, कहते हैं इन्होंने
अभी कोई सदगुरु का चरण आश्रय नहीं ग्रहण की थी, इसलिए ठाकुर जी दर्शन करने नहीं आए, ठाकुर दर्शन देने नहीं आए। शिक्षा देते हैं जीवन में किसी शुद्ध साधु का चरण आश्रय जरूर करनी चाहिए। देखो एक छोटी सी स्टोरी सुना, बोले एक समय कोई एक संत किसी घर में कथा कर रहे थे, उसी घर में के पिंजरा के अंदर में के तोता था। वो संत ने कहा देखो जो व्यक्ति ठाकुर का नाम लेता है ना वो जीव भवसागर से पार हो जाता है। वो जो पिंजरा में तोता था बोले बाबा ये सब झूठ मूठ बात क्यों कहते हो। बोले भैया कौन सा झूठ मूठ बात। बोले तू कहते हो जो ठाकुर का नाम लेते हैं वो भवसागर से पार हो जाते। बोले झूठ किया है। बोले तू मेरे को ही देख ले, ये छोटी सी पिंजरा में रहता हूँ, जो कोई घर में आता है ना राम राम राधे राधे दिन भर बोलते रहता हूँ, लेकिन अभी तक भी ये पिंजरा से मेरे को मुक्ति नहीं मिली। अब तू कह रहे हो भगवान का नाम लेने से भवसागर से, तो बहुत बड़ी बात है। वो तो चुप हो गया। वो संत जब घर में आया अपना गुरुजी को ये बात बताई, बोले गुरुजी वो तोता ऐसे ऐसे बोल रहा था। बोले ठीक है बेटा कल चल मैं तेरे साथ में चलता हूँ। बोले तू जा कथा कर। फिर वो चला कथा बोलते बोलते फिर बोला जो व्यक्ति ठाकुर का नाम लेते हैं हो गए भव से पार, लेख रे नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर। जब उन्होंने बोला है ना फिर तोता बोल पड़ा, बोले बाबा फिर दो बार वही बात कह रहे हो जो ठाकुर का नाम लेता है भवसागर से पार हो जाता है, फिर क्यों झूठ मूठ बात बोल रहे हो। लेकिन वहां पर गुरुजी खड़े थे, तोते को बोले भैया कौन सा झूठ बात है। बोले आप मेरे को ही देख लो, जो घर में आता है सबको मैं राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता रहता हूँ, अभी तक भी ये छोटे से पिंजरा से ही मेरी मुक्ति नहीं हुई। आप तो भवसागर की बात कह रहे हो जिसका कोई आर पार नहीं है। बोले तो सही है। बोले सही कैसे, मेरे को देखो ना। बोले देखो इसलिए तेरे को उधार नहीं हुई पिंजरा से, चूंकि तुमने किसी साधु से मंत्र नहीं लिए इसलिए तेरे को उधार नहीं हो रहा है। बोले फिर आप मेरे कान में मंत्र दे दो। फिर वो जो गुरुजी थे ना उसको कान में उन्होंने मंत्र दे दिया और उन्होंने एक बढ़िया बात उन्होंने सिखा दिया। बोले देख बेटा जब तक कोई पिंजरा में बैठ करके राम राम करोगे ना तेरी मुक्ति नहीं होगी। बोले फिर बोले एक काम करियो, ये कथा को बाद में तुमने एक नाटक करना। बोले कौन सा नाटक। बोले जैसे तुम्हारी प्राण छूट गई मरने का नाटक करोगे, अभी तेरे को अर्थी निकालेंगे तेरी, जब अर्थी निकालेंगे फिर भर कर उड़ जाना। बोले वाह बढ़िया मंत्र गुरु जी ने दिया। जब कथा की विश्राम हो गई ना उसने ठीक ऐसे किया, एकदम प्राण जैसे चला गई छूट गई, उन्होंने मृत जैसे पड़ गया। बोले भैया तोता का जीवन तो धन्य हो गया, देखो भगवान की कथा सुनते सुनते उसने प्राण त्याग की, कितना बड़ा पुण्य आत्मा, चलो इसको अर्थ निकालते हैं। अभी उनको जब अर्थ निकाले गले में सुंदर फूलों की माला दे करके जब राम नाम सत्य करते करते ले जाए थे ना, इतने में जो तोता था ना फर करके उड़ गया। इतने में गुरु जी ने कहा क्यों तोता, गुरु जी से नाम लेने से मुक्ति मिलती कि नहीं। बोले हाँ तभी मिलती है जब गुरु जी से नाम ग्रहण कर। देखो अभी प्रश्न है, देखो ये चीज अच्छे तरह से समझो भैया, वेदों में पुराण में तो ठाकुर का नाम है, फिर हम वहां से ये नाम को क्यों नहीं लेते हैं, एक साधु से फिर नाम को क्यों ग्रहण करते, ये चीज को समझ लो। कहते उन्होंने एक बढ़िया एग्जाम्पल दे करके शास्त्र समझाया। हाँ आप लोग से एक प्रश्न करता हूँ, ये प्रश्न का उत्तर देना, कौन उत्तर देगा मैं देखूंगा। ऐसे कुछ पेड़ है जिसका बीज अगर आप डायरेक्ट लेकर बोओगे ना वहां से वृक्ष नहीं होगी। ऐसे कुछ कुछ पेड़ है, आप बता सकते हो ऐसे कौन सा पेड़ है, जो सुने तो बता दो मेरे से जो सुन ली। इसलिए ऐसे कौन सा पेड़ है जिसे वृक्ष से डायरेक्ट बीज लेकर बोगना पेड़ नहीं होगा, बता सकते हो आप लोगों से पीछे बैठे हो, तुम लोग मेरे से सुने हैं ना। हाँ विशेष करके दो वृक्ष मिलेगा, एक पीपल वृक्ष और एक बरगद वृक्ष है। आप देखना किसी बरगद पीपल पेड़ को नीचे कभी भी आप वो पेड़ कभी नहीं देखोगे, वो देखोगे किसी छत के ऊपर में देखोगे, नहीं तो किसी पेड़ के ऊपर देखोगे। बोले ऐसे क्यों। बोले वो वृक्ष का एक नियम है, वो बीज को जब कोई चिड़िया खाए उसका पेट में जाए, उसका पेट में ऐसे के रस है,
उसको पेट में रस में जब मिले, जब वो चिड़िया बीट करता है तभी जाकर के वृक्ष होगा, तभी जाकर वृक्ष होगा। और आप लोग देखे होंगे छत ऊपर में कभी पीपल का पेड़ देखे होंगे, बरगद का पेड़ देखे होंगे, इतने जोर जबरदस्ती वो पेड़ होता है। एक वृक्ष के लिए तीन चीजें चाहिए, एक मिट्टी चाहिए, एक हवा चाहिए, एक पानी चाहिए, तभी कहीं ये पेड़ होता है, नहीं तो पेड़ नहीं होगा। आप लोग देखे होंगे छत ऊपर में पीपल का पेड़ देखे हो, बरगद का पेड़ देखे ना, ऐसे पेड़ होता है वो एकदम छत को फाड़ देता है, इतने जोर जबरदस्ती पेड़ होता है। कोई पानी नहीं, कोई मिट्टी नहीं, वो सीमेंट में भी वो पेड़ हो जाता है। बोले क्यों? बोले जब वो चिड़िया के पेट में गया ना, वो इतना ताकत उसको देता है, बिना पानी बिना मिट्टी के वो छत को फाड़ करके पेड़ हो जाती है। इसका तात्पर्य सिखाते हैं कि जो मंत्र क्यों हम साधु से लेनी चाहिए, अपने आप क्यों मंत्र को नहीं बोल दो। बोले जब ये मंत्र किसी साधु के हृदय में जाए, जब वो मंत्र को वो जप करे, एक दिन वो मंत्र स्वयं कृष्ण रूप में दर्शन देता है। जब दर्शन देती है, जब वहां से हम ये मंत्र को ग्रहण करें, हमारे हृदय निरस होने पर भी, हृदय सुखा होने पर भी, जैसे वाल्मीकि, ये वाल्मीकि पहले कौन था? दस्युरत्नाकर था, डाकू था। जब नारद से मिले, हैं नारद से मिले, उसको बोले बोलो राम, बोलो बोलो, लेकिन उसको मुंह से राम ही नाम नहीं निकला। क्यों? इतना बड़ा पापी था। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो ना, बोले हाँ इतना तो बोल सकता हूँ। इसलिए वो मरा मरा उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, और नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार करह सुमन मनवाई। कि जब किसी साधु से नाम लेते हैं, अगर दस्यु रत्नाकर अगर मरा मरा करते करते अगर वाल्मीकि बन सकता है, अगर हम सीधा नाम लेंगे तो कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा। इसलिए यहाँ पर श्री नियम है किसी शुद्ध साधु से भगवत नाम को ग्रहण करने पर कल्याण। लेकिन एक बात बताते ना भैया, गुरु करे जान के और पानी पियो, ये भी एक बात है। ऐसे करनी चाहिए, गुरु तो करनी चाहिए, लेकिन जब करो देख सुन करके करनी चाहिए। उसका कुछ लक्षण भी बताया गया है, सांसारिक वस्तु से अलग होनी चाहिए, उसको सारे शास्त्र ज्ञान होनी चाहिए, वो संत भजन परायण होनी चाहिए, सचमुच से केवल दूसरों को सुनाने के लिए बोल रहे हैं ऐसे नहीं, वो अपना जीवन में सचमुच से आचरण करते कि नहीं, ये चीज को देखनी चाहिए। इसलिए उन्होंने नारद जी को बोले देखो तुम जा करके श्री ध्रुव जी को मंत्र दे करके आओ। उन्होंने बड़े ठोक पीट करके उन्होंने को परीक्षा की, बोले ध्रुव ये कोई भजन करने का उम्र है? जाओ घर में चले जाओ, तेरे पिताजी तेरे को ढूंढ रहे हैं। बोले आप कौन हो? बोले मैं नारद हूँ। बोले लगता है आप नारद नहीं, कोई डुप्लीकेट नारद। बोले क्यों? बोले मैंने सुना है नारद जी सबको भक्ति के उपदेश देते हैं, अब आप कह रहे हो घर में चले जाओ। देखो अगर सचमुच से आप नारद है ना, मेरे को दृढ़ हो गया, मेरे को विश्वास हो गया है, ठाकुर जी जरूर हमें मिलेंगे, ठाकुर जी जरूर हमें मिलेंगे। बोले क्यों? बोले अगर नारद जैसे संतों का दर्शन हो गया है, अगर शुद्ध साधु दर्शन हो गया, शास्त्र कहता है आज मोय भा भरसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिना मिले ही नहीं संता, जो रघुवीर मोय अनुग्रह किनी तो मई दरस ऐठे दिनी। जब विभीषण से हनुमान की साक्षात्कार हुई, ये विभीषण स्वयं कहता है बोले आज लगता है मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई विशेष कृपा है। क्यों? जब तक प्रभु राम की कृपा नहीं होना तब तक जीवन में शुद्ध साधु नहीं मिलता है। अगर जीवन में शुद्ध साधु मिल गए ना, समझो ठाकुर तुमको मिल गए, ठाकुर तुमको मिल गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। तब श्री नारद जी इनकी दृढ़ प्रतिज्ञा को देख करके उनको मंत्र प्रदान किए, बोले ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः
करो, तुम चले जाओ मथुरा में, वहां यमुना में त्रिसंध्या स्नान करना और वहीं पर बैठ करके भजन करो। देखो इनको दो चीज बढ़िया मिली, क्या था मिला बोले मथुरा। ये मथुरा क्या है बोले भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। शास्त्र कहता है रात्रि एक निवास न हरि भक्ति प्रजायते। अगर एक रात कोई मथुरा में रह गए ना, एक रात कद उसको भगवान की भक्ति मिल जाती है। क्योंकि जो मथुरा धाम, ये मथुरा नहीं, ये मधुरा है, ये मधुरा है। ये मथुरा कौन है? कृष्ण की पटरानी। और ये यमुना नदी कौन है? बोले राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर के पानी रूप में बहती है ना, ये श्री यमुना महारानी। ये यमुना महारानी कोई पानी नहीं है, ये कौन है? बोले ब्रह्म द्रव गात्रम, भगवान की प्रेम ही ये द्रवीभूत होकर के ये यमुना नदी बनी हुई है। ये काली क्यों, श्यामा रंग की क्यों? बोले कृष्ण चिंतन में ये श्यामा बनी हुई। ये अनुराधा राधा रानी की छोटी बहन श्री ये मथुरा, ये श्री यमुना महारानी। और कहते गंगा में स्नान से जो फल मिलेगा, केवल यमुना को स्मरण कर लो ना, वही फल की प्राप्ति होती है। इतने यमुना नदी की महिमा, और उसमें अगर कोई तीन संध्या स्नान करे, बताओ क्या फल नहीं मिलेगा। इन्होंने अभी भी वो ध्रुव टीला है, उन्होंने तीन दिन अंतर अंतर में बेर फल को खा खा कर भजन किया। लेकिन जब भजन में बैठते ना, देखो इनको छह महीना में क्यों ठाकुर जी मिले, ये चीज को समझो। लेकिन हम लोग इतना दिन से ठाकुर को माला जप कर रहे हैं, माला जप करते करते माला काली हो गई, लेकिन अभी तक भी कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन इनको तीन महीना में क्यों भक्ति मिली, ये चीज को अच्छे तरह समझो। कहते जब ये हैं, जब इन्होंने भजन में बैठते थे, तीन दिन तक पायखाना नहीं, पेशाब नहीं, खाना नहीं, तीन दिन तक एक स्थान पर बैठ करके एक मन से दृढ़ता पूर्वक ये मंत्र को जप करते थे। जो मंत्र है ना, ये कोई साधारण वस्तु नहीं, ये भगवान कृष्ण स्वयं है, ठाकुर जी स्वयं है। इसलिए ये मंत्र को ठीक ठीक से ये मंत्र को जप करनी चाहिए। लेकिन हम लोग इसे जप करते हैं, देखो एक छोटी स्टोरी सुनो अच्छे तरह से। बोले एक समय एक बंदर ने किसी बाग में घुस करके आम खा रहा था, और जो बाग का मालिक था ना, उठाया एक पत्थर और मारा वो बंदर को ऊपर में, और बड़ी जोर से बंदर को लगा। बंदर को तो बड़ा क्रोध आया, बोले एक आम फल खाया तो पत्थर मारे, आज मैं स्वयं आम का पौधा लगा करके स्वयं आम का पेड़ बनाऊंगा, आम खाऊंगा। उसने आम का गुठली लेकर के बंदर गया, और लेकर के ना बीज में नीचे गाड़ दिया, और गाड़ करके बैठा रहा, और उन्हें मिट्टी दे करके पानी देकर बैठा रहा। एक घंटा तक बैठा, फिर देखा अभी भी पेड़ नहीं, उसने खोदा, फिर खोदा देखा अभी भी कुछ नहीं, फिर उन्होंने फिर मिट्टी पानी दिया, फिर दो घंटा तक बैठा, देखा फिर हटाया, देखा वहां फिर आम नहीं, फिर उन्होंने तीन घंटा तक बैठा, बोले देखा आम नहीं, ये तभी पेड़ नहीं हो रहा है। देखो हम भी वैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी माला किया, पांच मिनट दस मिनट हरिनाम किया करके, फिर माला को जहां था लटका दिया, लटका करके फिर हमारे दिमाग में दिन भर दुनियादारी की चिंता, दिन भर दुनियादारी की चिंता। जब दूसरे दिन फिर माला किया 24 घंटा के बाद में, फिर 10 मिनट 20 मिनट फिर हमने भजन साधन किया, फिर माला को लटका कर रख दिया, फिर दिन रात सारा दुनिया। भैया भक्ति ऐसे नहीं होने वाले, नहीं, भक्ति कब मिलेगा, प्रभु भगवत प्राप्ति कब होगा, जबकि 24 घंटा में 24 घंटा जब ये मन विषय को छोड़ करके संपूर्ण भगवत चिंता में जब मन डूब जाएगी, ये सारा दुनिया को तुम भूल जाओगे। भैया जब तक पागल नहीं बनोगे ना, तब तक ठाकुर मिलने वाले नहीं। इसलिए प्राण जब तक होठ में नहीं आ जाए, उसके दर्शन के बगैर हम प्राण त्याग दे देंगे, तभी तो ठाकुर जी मिलेंगे ना। जब वो भजन में बैठते थे तीन दिन तक, एकदम मन को उस प्रभु की चरण में डुबा देते थे। दूसरे महीना में 6 दिन अंतर में केवल पत्ते खा करके भजन किया, तीसरे महीना में 9 दिन के बाद में केवल थोड़ी सी पानी पी करके, चौथा महीना में फिर 12 दिन के बाद में एक बार हवा लेकर के, पंचवा महीना में हवा भी छोड़ दिए, और छठवा महीना में उन्होंने अपना प्राण बाई को उन्होंने खींच लिया। खींच लिया तो सारा दुनिया की हवा ही बंद हो गया।
जैसे मानो एक हाथी किसी नाव को पर पैर रख देना, वो जैसे डगमगाता है, ये पृथ्वी डगमगाने लग गया। सारे देवता लोग भगवान को पास में जाकर प्रार्थना की, भगवान स्वयं ध्रुव महाराज को दर्शन दिए। बोले श्री ध्रुव महाराज की जय। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। भगवान उनको दिव्य 36,000 साल तक उन्हें राजत्व प्रदान की। जब राजत्व समाप्त हो गई, अभी वैकुंठ लोक से विमान लेने के लिए आए, स्वयं काल भी वहां पर उपस्थित हुई है। देखो भक्ति करने पर कितने महत्व है। उन्होंने काल के सर को ऊपर प्यार रख करके सौ शरीर में वैकुंठ उन्होंने विजय किया। कहां पर विजय किया? कहां पर विजय किया? उन्होंने वैकुंठ विजय किया। देखो एक अच्छी बात को सुनो, जिस समय ध्रुव महाराज जा रहे थे, इतने में उनकी मैया की याद आ गई। किसकी याद आ गई? मैया की। बोले भैया मैया को लिए बगैर मैं जाऊंगा नहीं। बोले भैया मैया को क्यों लेना चाहते हो? बोले आज जो ठाकुर मिले किसकी कृपा से मिले? बताओ किसकी कृपा से ठाकुर मिले? बोले मैया की कृपा से। मेरे को मैया ने बोले बेटा भगवान की गोद में बैठो, बैठोगे तो कभी उतरोगे नहीं, इसलिए मैया को मैं जरूर लेकर के जाऊंगा। बोले देखो तो जो पहला जो रथ है ना, तेरी मैया बैठ करके वैकुंठ जा रही, उसको पीछे पीछे तू जा रही हो, आगे नहीं। हाँ देखो जितने माताएं ध्यान देकर सुनो, अगर बच्चे को भक्ति का मार्ग दिखाओगे ना, अगर बच्चे को अगर भगवत प्राप्त हुई, पहले वैकुंठ कौन जाएगा? बेटा जाएगा ना माँ जाएगी? कौन जाएगी? माँ जाएगी ना। इसलिए हर मैया माँ की कर्तव्य है अपना बेटे को क्या करो, भगवान की भक्ति की मार्ग में चलाओ अपना बेटे को, ठीक है ना। देखो ये नरसिंह भगवान कहते हैं, जिस वंश में एक बेटा प्रभु की भजन में लग जाए उसका कितना लाभ है? बोले कुलम पवित्रम। बोले उसकी 21 पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं। बोले जननी कितार्था, जननी मतलब माँ, कहते माँ की कोख धन्य हो जाती है। बोले वसुंधरा बसतीश्च धन्या, बोले जिस पृथ्वी को ऊपर जन्म लेता है वो पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। बोले नृत्यन्ति स्वर्गे पितरी पितरेषाम, बोले पहले जो पूर्वज जो लोग पहले चले गए स्वर्ग में, वो वहीं पर खड़े होकर के नाचना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों? बोले हमारी वंश में एक बेटा प्रभु की भजन कर रहा है, अभी हमको उद्धार होने में कोई बाकी नहीं, जरूर उद्धार हो जाएगा। क्यों? भक्ति कर रहे, भजन कर रहे, कितने लाभ है। लेकिन अगर बेटा शराब पीना शुरू कर दिया, बेटा मांस खा रहे हैं, पीड़ी फूंक रहा है, जुआ खेल रहे हैं, कहते तो उसको पाप भी पिता माता को लेना पड़ेगा। जैसे पुण्य लोगे ना, उसको पाप भी लेना पड़ेगा। देखो ये पुराण में एक कथा आई है। बोले एक समय कोई एक जोगी स्वर्ग में पहुंचा, देखा एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया, सोने के सिंहासन में बैठा हुआ, अप्सरिया उनको चामर भजन कर रही थी, लेकिन वो स्वर्ग में बैठ बैठ कर रो रहा था। बोले भैया तू तो क्यों रो रहे हो स्वर्ग में आकर के? बोले मैंने तो दान पुण्य किया इसलिए स्वर्ग में आया, लेकिन बच्चों को मैंने भक्ति मार्ग में नहीं लगाया। जिस बच्चों को मैंने भक्ति मार्ग में नहीं लगाया, मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था ना, बच्चे लोग उसी पैसा से शराब पी रहे हैं, उसी पैसा से मांस मछली खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। चूंकि वो पैसा को मैंने ही छोड़ करके आया था, मेरे पैसा को इतने बुरे कर्म में लगा रहे, उसका पाप मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा है। समझ रहे कि नहीं? इसलिए क्या करनी चाहिए? बच्चों को भक्ति में लगाओ। लेकिन बच्चे कब भक्ति करेंगे? पहले माँ भक्ति करे तभी तो बच्चे भक्ति करेंगे ना। अगर माँ भक्ति नहीं करेगा तो फिर बच्चे भक्ति कैसे करेंगे? इसलिए हर माताओं को भक्ति करनी चाहिए और बच्चों को भी भक्ति मार्ग में चलानी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भजन सुन लो, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये,
नहीं जानो या भूला नहीं बताओ तो कौन कौन मोहन से दिल लगाया? सबने लगाया, लेकिन कुछ का भी प्रणाम प्रणाम कुछ का प्रमाण नहीं दिख रहा है। जब ठाकुर से दिल लगाओ ना, दिल में इतने आनंद, हमारे शास्त्र में बताए कृष्ण प्रेम रस में जो आनंद है, बोले करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके भी उसका बराबर नहीं कर सकते। कृष्ण भक्ति रस में इतना आनंद है, एक व्यक्ति कब नाचता है? दुख में कोई नाचता है? आनंद में, आनंद हृदय में इतना उफने जो आनंद के हृदय में समा नहीं सकते हो, तभी जाकर कोई नृत्य करता है। इसलिए यहाँ पर लगता है कोई कन्या से दिल ही नहीं लगाए, क्या लगता है दो गोपी दिल लगाए और कोई लगाए नहीं लगता है। सबके सब पर खड़े हो जाओ, टांग सीधा कर दो, खड़े हो जाओ सबके सब सामने जो बैठे। हाँ, मोहन से दिल क्यों लगाए? I'm not going to be able to do that.
श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु मुक्तानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि श्री गौर भक्त वृंद एक बार सब हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम और एक बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमहंस परिव्राज अष्टोदर्शन त्रिवेणी स्वामी शिष्य भक्त वेदांत श्री रसिदुर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम परमेश्वरी प्रभु के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सब वैष्णव वैष्णव के चरणों में यथायोग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। गुरुदेव का आदेश हुआ है कुछ हरि कथा सुनाने के लिए, मेरी कोई हरि कथा सुनाने की, हरि कथा सुनाना एक भगवान की लीलाएं कथा सब कुछ सुना रहे हैं, इनका सोर्स क्या है, सार क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा ये बता सकते हैं, कोई फांसी वांसी नहीं दी जाएगी, बता सकते हैं जोर से, उधार के लिए कुछ माता जी कह रही है कि जीवों के उधार के लिए, तो प्रभु जी बताएंगे मतलब और कुछ अच्छा सीखें और कुछ आगे जो है हमारे प्रभु जी कह रहे हैं कि हमारे गुरु भगवान में विश्वास हो, उनके नाम में विश्वास हो और गुरुपाद पद में श्रद्धा बढ़े। वास्तव में यही है कि गुरु जी सात सात दिन तक यहाँ पे हमारे निकट रह करके हमें इतना सब कुछ सुनाते हैं।
इतनी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं, इतनी महिमा, इसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि हमारा भगवान के चरणों में विश्वास हो जाए, हमारे गुरुपाद पद्म के वचनों में विश्वास हो जाए कि गुरुदेव ने ये कह दिया कि हरिनाम से कल्याण होगा तो हरिनाम से ही होगा। इस चीज में हमारा विश्वास आ जाए तो हमारा क्या होगा, वो सात दिन का सुनना क्या होगा, सफल हो जाए। एक्चुअली सात दिन का सुनना सफल नहीं हो जाएगा, अगर हमें ये विश्वास आ गया तो हमारे मनुष्य जीवन ही सफल जाएगा। इसके लिए एक छोटी सी कथा आती है, मैं बस उस स्टोरी को शेयर करना चाहूंगा। एक बार एक भिखारी भीख मांग रहा था, सुबह सुबह भीख मांगते मांगते वो दो तीन लोगों के पास गया तो उसे भीख नहीं मिली, तो उसे एक अच्छा सीट व्यक्ति आता हुआ दिखा सामने से, तो उसने उससे भीख मांगी। अब सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लगी है, तो कुछ पेट में चला जाएगा तो कुछ शरीर में ताकत आ जाएगी। तो उसको सेठ व्यक्ति देख करके पहले डांटता है, बोलता है तुझे शर्म नहीं आती, इतना अच्छा शरीर है, पढ़ा लिखा भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सुंदर है, क्यों भीख मांग रहा है, कुछ मेहनत कर, मेहनत करके कमा, उससे जो मिले उसे खा के अपना जीवन यापन कर। बोले साहब मुझे भीख मांगना कोई अच्छा नहीं लगता, मुझे शौक नहीं भीख मांगने का, मैं तो खुद मेहनत करके कमा के खाना चाहता हूँ, पर क्या करूं मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और मेरी कोई क्वालिफिकेशन ना होने की वजह से मुझे कोई जॉब नहीं देता। आजकल देखो इतनी ऊंची ऊंची डिग्री लेने के बाद भी लोगों के पास जॉब नहीं है, तो उसकी तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो कोई कैसे जॉब दे। तो वो सेठ बोलता है कि चल ठीक है, तुझे कोई अपने पास काम नहीं दे रहा, अगर मैं तुझे कुछ काम दूं तो तू मेरे लिए काम करेगा। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, बोलते हैं सेठ बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, अगर आप अपना अपने पास कुछ छोटा मोटा काम दे, मैं दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करूंगा, और उस मेहनत से जो पैसा आएगा उसी से अपना जीवन यापन करूंगा, फिर दोबारा कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगूंगा। तो सेठ बोलते देख मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ। बोले कैसा ऑफर? बोले क्या मेरे बिजनेस में पार्टनर बनेगा? तो बोलता है कि सेठ छोटी सी भीख मांगी है, अगर आपको भीख देनी है तो दे दो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। वैसे बोले मजाक नहीं कर रहा मैं, सच में। बोले क्या है? बोले 90% और 10%। बोले आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बोले पहले सुन तो ले पूरा। बोले 90% हिस्सा तेरा, 10% हिस्सा मेरा। तो भिखारी बोलता है कि सेठ बेइज्जती मत करो, आपको भीख देनी है दे दो, नहीं तो मैं अपना अलग पे ही देखूंगा। बोले मैं मजाक नहीं कर रहा और ना मैं तेरी किसी प्रकार से कोई इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, पूरी बात सुन पहले। वो बोलते बताओ। बोलता है कि हमारे बिजनेस में 90% और 10% की साझेदारी होगी, उसमें 90% तेरा होगा और 10% मेरा होगा। तो बोला मुझे करना क्या होगा? बोलते कुछ नहीं करना, मेरा चावल का कारोबार है, तुझे वो चावल लेकर के दुकानों में जाकर के बेचना है, उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसका सिर्फ 10% तू मुझे घर बैठे मेरे घर ला करके देगा महीने की आखिरी तारीख को, और 90% किसका होगा? तेरा। बोलता है कि साहब मैं अभी से काम पे लग जाता हूँ और दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करूंगा, आपका कारोबार दुगना कर दूंगा एक महीने के अंदर। बोलता है कि ऐसा कारीगर मिले, ऐसा पार्टनर मिले, बढ़िया बात ही क्या है। बोला अभी से लग जा। मालिक अपना घर चला जाता है, भिखारी को जॉब मिल जाती है, वो अपना काम करना शुरू कर देता है। अब मालिक वेट करता है महीने की आखिरी तारीख का कि भैया वो आएगा मेरे घर पे, मुझे आकर के मेरा 10% देगा। पहला महीना बीत जाता है, पहले महीने की आखिरी तारीख की वेट कर रहा होता है कि आज मेरा 10% मुझे मिलेगा, पर वो आता ही नहीं है। तो मालिक सोचता है कि लगता है ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा डेडिकेट है बंदा काम को लेकर के, कोई बात नहीं अगले महीने दे देगा, अगले महीने मुझे डबल मिलेगा, 20% मिलेगा, 10 पिछला और 10 अगला। अगले महीने वेट करता है, अगले महीने वेट करता है तो भी नहीं आता। तो मालिक को लगता है ये इतना पैशनेट बंदा मैंने कभी नहीं देखा, काम को लेकर के इतना पैशनेट है, महीने की तारीख ही याद नहीं है व्यक्ति को। तो देख तीसरे महीने वेट करता है, तीसरे महीने भी नहीं आता, चौथे महीने वेट करता है, चौथे महीने भी नहीं आता। अब मालिक को शक होने लगता है, भैया इतना पैशन भी ठीक नहीं, पता चले मरमराना गया हो, जाकर के देखो व्यक्ति जिंदा है नहीं है, ठीक ठाक है। तो जाता है देखता है, तो उसके घर पे जाता है, गेट खटखटाता है, देखता है आलीशान महल बना लिया है, घर बड़ा हो गया है, गाड़ियां खड़ी है, कह रहा है कारोबार तो अच्छा चल रहा है लगता है। तो बोल गेट खटखटाता है, व्यक्ति बाहर आता है, तो जो भिखारी होता है वो जो सेठ आता है उसके घर पे, उससे जब गेट खुलता है तो वो बोलता है आप कौन?
तो सेठ बोलता है तुझे तूने मुझे नहीं पहचाना? बोले नहीं। बोले याद कर वो पहला दिन जब तू भीख मांगते हो सुबह सुबह मेरे पास आया था और मैंने तुझे भीख की जगह अपने पार्टनरशिप अपने बिजनेस में पार्टनर बना था। ओ अच्छा 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 तो आप हैं। तो बोले भाई कुछ याद है उसके आगे की कन्वर्सेशन? बोले हाँ, आपने मुझे 10% और 90% का पार्टनर बनाया तो मुझे आपको 10% देना है। बोले भैया पिछले 4 महीने से वेट कर रहा हूँ, कहाँ है मेरा 10%? तो बोलता है कौन सा 10%? बोलता है कौन सा 10% भैया? चावल का कारोबार आपने मुझे दे दिया, सारी मेहनत करूं मैं, दुकानों पे जा जाके चावल बेकू मैं, धूप में तपू मैं, बारिश में भीगू मैं, सर्दियों में जकड़ू मैं, पैर खींचू मैं, और बैठे बिठाए आपको 10%? कहा के 10%? कोई 10% नहीं है। 100% का 100% किसका होगा? मेरा होगा। जाओ भैया जाओ। अब आप लोगों से एक प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? एहसान करो, धोखेबाज, लालची, और कोई किसी के बनो तो गाली जा रही है। अगर सही बोले नमक हराम, बेस्ट वर्ड है ना? तो अब ये देखते हैं कि भिखारी वास्तव में है कौन। हाँ भैया, ये शरीर किसका? ठाकुर जी का। इस शरीर से जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं शरीर को चलाने के लिए, सबसे मेन क्या है ऑक्सीजन, वो किसने दी? ठाकुर जी ने। जो हम इस शरीर को चलाने के लिए इसमें फूड डालते हैं वो किसने दिया? ठाकुर जी ने। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए जो हमें माता पिता मिलते हैं वो किसने दिए? हमारा स्कूल कॉलेज इतना सुंदर, हमें सबसे बड़ी बात हमें भारत के अंदर जन्म मिला, ये किसकी कृपा से मिला? इन सब के बावजूद हम भगवान नाम से जुड़े, ये पता चल गया कि भैया भगवान नाम मनुष्य जो जीवन है इसका मुख्य कर्तव्य क्या है? भगवान का नाम लेना, नाम करना। इतना तक पता चल गया किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। अब अगर भगवान बोलेगी भैया मेरे 10% दे दे, तो हम किसकी कैटेगरी में है? कौन हुए हूँ? कोई कह रहा था धोखेबाज, कोई कुछ कह रहा था। तो हम सब कौन हुए भाई? देखो मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, जिसने जो अपने मन में सोचा था वो वही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपना 10% भगवान को क्या फुल्ली दे पा रहे हैं? 10% मतलब मींस हमें भगवान ने कितना टाइम दिया हुआ है? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे का 10% कितना होता है? 2 घंटे 40 मिनट, एक्यूरेट 10% है। और 2 घंटे 40 मिनट में आराम से 16 मालाएं हो सकती हैं। अब भैया जो जो है अपना 2 घंटे 40 मिनट देते हैं वो तो हाथ नीचे रखे हैं, बाकी लोग हाथ उठा लो। तो भैया अब चलो ठीक है, आज तक जो था था, आगे भी ऐसे ही रहना है या 10% देना है? देना है ना, वरना कैटेगरी किसमें? देखो ये सूरदास का पद है। देखो सूरदास जी क्या कहते हैं, बोले जिन्नी तनु दही, ध्यान देकर सुनो, बोले जिन्नी तनु दही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी, मोसमा को नो कुटिला खलकामी। ये सूरदास का पद है। अगर भगवान जिसने सब कुछ तुम्हें दुनिया संसार सब कुछ दिया, भैया तुम उसको ही भूल कर बैठ गया, इसलिए नमक हरामी कहते। देखो एक बात बताता हूँ, बुरा मत मानना, संसार में हम जो कुछ करते हैं ना दूसरों के लिए करते हैं। पत्नी को कैसे खुश रखे, पति को कैसे खुश रखे, अपना बच्चों को कैसे खुश रखे, परिवार को कैसे खुश रखे, इसलिए करते हैं कि नहीं बताओ? इसलिए करते। ये बताओ दीन से अभी तक तुम्हारे ऊपर में कोई खुश हुए है? अभी तक तुम्हारे ऊपर में कोई खुश है क्या? देखना पीछे तुम्हारी चुगली करते हैं, बहु चुगली करते हो कि नहीं? तो सास करता होगा, नहीं तो पति करता होगा, नहीं तो बेटा करता होगा। भैया ये जगत में तुम्हें तुम किसी को भी खुश नहीं कर सकते हो, जितने क्यों तुम नहीं कर लो, दुनिया में तुम किसी को भी खुश नहीं कर सकते हो। लास्ट में तुम्हें बदनाम का सिवाय कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन देखो सुदामा जी ठाकुर को 2 मिनट चिढ़वा दिया, ठाकुर जी ने क्या दे दिया बोलो?
त्रिभुवन का राज्य देते हैं। कृष्ण का अंगुल कट गया, द्रौपदी ने थोड़ी सी बैंडेज कर दी, साड़ी फाड़ करके, ठाकुर जी सोच रहे हैं कब मुझे मौका मिलेगा, कब इसका मैं ऋणी चुकाऊं, कब मेरे ऋणी चुकाऊं, हाँ कब मैं उसका ऋणी चुकाऊं। लेकिन जब भरी सभा में उसकी लाज जा रही थी, पांच पांच पति भी कुछ नहीं बोले, उनका परिवार कोई भी मदद देने वाले नहीं रहे। लेकिन जब उन्होंने दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद राग शरण आप जीवन हारी, ठाकुर जी अपना दोपट को फेंक दिए, 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गई, लेकिन दो हैं कि 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई। दुनिया देख रहे थे साड़ी की नारी, ना नारी बीच कोई साड़ी है। भगवान के लिए इतना करोगे ना, ठाकुर जी कभी नहीं भूलते हैं, सब ठाकुर जी याद करके रखते हैं। जब ये संसार में किसको खुश नहीं कर पाएंगे, अभी तो कोई खुश नहीं भैया, जब उसी के लिए करते हो क्या ठाकुर जी के लिए थोड़ी नहीं करनी चाहिए। इसलिए सवेरे उठ करके जितने काम को हम अपना कर्तव्य मानते हैं, ये कर्तव्य है, वो कोई काम में लास्ट में कोई कर्तव्य नहीं आएगी। सवेरे उठ करके गुरु जी कहते थे 100 काम छोड़ करके अपना भोजन करो, 1,000 काम छोड़ कर अपना काम धंधा करो, लेकिन करोड़ों काम छोड़ कर ठाकुर जी की भजन करो, करोड़ों काम छोड़ कर क्या करो, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो, प्रभु का नाम जप करो, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब भगवान वामन को बनाया है, बनाया है ना, ठीक है बैठो, थोड़ी देर बाद मिले हमें। हाँ देखो, भागवत में श्री अजामिल की कथा आती है। ये अजामिल कथा में सिखा यह है, जब श्री सुखदेव गोस्वामी नरक का वर्णन किया, कैसे 84 नरक हैं, जीव कैसे जैसे जैसे कर्म करता है, कर्म के अनुरूप जीव कैसे फल भोग करता है। कहते जो दारू पीते हैं मरने का बाद लोहे पिघला करके मुंह में डालते हैं, कहते जो उल्टा पुल्टा मूवी देखते हैं उसकी आंख निकाल देते हैं, जो हाथ में हेर फेर करते हैं उसकी अंगुल को काट देते, हाथ को काट देते हैं। जब उन्होंने ये नरक की वर्णना कर रहे थे ना, इतने में तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज डर गए, बोले महाराज इससे मुक्ति मिलने का कोई रास्ता नहीं, मुक्ति मिलने का रास्ता है कि नहीं, बोले हाँ शास्त्र में बताया अगर ऐसे पाप किया तो ऐसे पुण्य कर्म करो तुमको पाप से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इसमें उनकी पसंद नहीं हुआ, क्यों, जैसे कि हाथी को अच्छे तरह से तालाब में स्नान करा दो अच्छे तरह से, लेकिन हाथी का स्वभाव है पानी से उठ करके ना वो सबसे पहले धूल ढूंढेगा, फिर सारे धूल से शरीर को फर करके लगा करके जाएगा। हम तो थोड़ी बहुत तो पुण्य करते हैं, घी में चर्बी मिला दिया, मिला करके फिर कोई दान पुण्य थोड़ी कर दिया, फिर दूसरी दुनिया आकर फिर वही पाप कर। कहते ये हृदय से जब तक ये पाप की प्रवृत्ति नहीं जाएगी ना, तब तक जीव का कल्याण होने वाले नहीं, बल्कि इसी के लिए कर्तव्य क्या है। कहते केवल एक उपाय है, केवल या जो भक्तियां है, कहते भगवान की जो भक्ति, भगवान का जो नाम में इतने शक्ति है, जैसे सूरज उदय होने पर सारे अंधकार अपने आप हट जाती हैं। अगर भगवान की भक्ति कोई ठाकुर का नाम ग्रहण करे उसका हृदय से ही पाप करने का वृत्ति खत्म हो जाती है। फिर उन्होंने कथा सुनाई, अजामिल की कथा सुनाई। ये अजामिल ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन एक दिन वो जंगल में गया हुआ था हवन की सामग्री लेने के लिए। उसने देखा दो शूद्र शूद्राणी विवस्त्र होकर के शराब पी करके मिल रहे, और उसने उसको देख करके जैसे उसका हृदय में फटो खींच गई। जब उसने घर में आया उसकी बड़ी सुंदरी पत्नी थी, कम उम्र की, लेकिन उसने पत्नी को त्याग दे दिया और उसने वो बेस्या को साथ में रहा, उसकी हाथों में अमित कुमित भोजन की, और उसको 10 बेटे हुए और सबसे छोटा बेटा का नाम उसने नारायण रख लिया। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं
देखो उल्टा पुल्टा मूवी मत देखा करो, मना किया है। अगर अजामली जैसे व्यक्ति, इतने सर्वगुण संपन्न व्यक्ति, अगर उसका बुद्धि भटक सकती है, फिर हम क्या, हम कौन सा जीव है? इसलिए गंदी चीज को नहीं देखनी चाहिए। अभी सबसे छोटा बेटा का नाम उसने नारायण रख लिया। अभी छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है। अभी बात बात में बेटा नारायण मेरे लिए पानी ले आ। नारायण तू कहाँ हो? नारायण मेरे गोद में आ जा। जैसे छोटे बच्चे को बुलाते हैं ना, उसने इस दिन रात नारायण नारायण कर रहा था। लेकिन जो हम कर्म करते हैं काय मन वाक्य से, अंतिम समय में तीन जमदूत उसको लेने के लिए आए और उसने बच्चे को दूर से खेलते हुए देखा, जोर से बुलाया, बेटा नारायण। कहती ये चार अक्षर है नारायण, एक तरफ में चार विष्णुदूत, दूसरे तरफ में तीन जमदूत आए एक साथ में। अभी दोनों कौन उसको ले जाएगा? उनका अंदर में बड़ी लड़ाई हुई। जमदूत कहते हम ले जाएंगे, विष्णुदूत कहते हम ले जाएंगे। इतने में विष्णुदूत बोले, भैया तुम क्यों ले जाओगे? आपको पता है, बोले ये कहां पर जन्म लो? ब्राह्मण घर में, पत्नी ब्राह्मणी कम उम्र की थी, लेकिन अपनी पत्नी को त्याग दे दिया और वेश्या को साथ में रहा। उसकी हाथ में अमेध्य कुमेध्य को उसने भोजन की और उसने 10 बच्चों को पालन करने के लिए चोरी गुंडागिरी सर तर का पाप किया, सीधा नरक जाएगा। जमदूत विष्णुदूत कहते हैं, भैया कुछ पुण्य भी तो किया है। बोले क्या पुण्य किया? बोले ठाकुर का नाम लिया ना अंतिम समय में। बोले वाह, जिंदगी भर पाप करो और मरने से पहले एक बार ठाकुर का नाम ले लो। हो गया प्रभु का नाम लेने से। तब श्री विष्णुदूत कहते हैं, बोले मूर्खो तुम्हें प्रभु का नाम की महिमा तुम्हें क्या पता है? कहता हरि से बड़ा हरि का नाम है। उदाहरण देते हैं, जैसे रुई का एक ढेर हो, नहीं तो भूसा का एक ढेर हो, उसमें आग की एक चिंगारी पड़ जाए ना, वो जला करके राख बना देती है। और भगवान का नाम तो हरि से बड़ा हरि का नाम है। जब उसने बेटा का नाम नारायण रख लिया था तभी इसका सारे पाप खत्म हो गया था। लेकिन जो बेटे को बारंबार नारायण नारायण इधर आ जा, नारायण पानी ले आ, नारायण मेरे गोद में आया, जब बोला ना, जैसे माला जब करते हैं, ये हो गया माला जब हो गया। लेकिन अंतिम समय में जो उसने भगवान का नाम लिया, बस इसी से ही जीव की उधार हो गई, इसकी उधार हो गई है। देखो एक गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की दोहा है, इसको अच्छे तरह से आप लोग समझो, कितने अच्छी बात बताई। बोले जनामा जनामा मोनी जाता ना कराई, अच्छी बात इसमें समझाए। आप लोग सब हिंदी समझते हो ना? देखो ये दोहे को अच्छे तरह से समझो। कोई कहते ना भैया जीवन भर पाप करो और मरने से पहले एक बार नाम कर लो, हो जाएगा हैं? कोई कहते ना रे बचपन से भक्ति करने का क्या जरूरत है, रिटायर लाइफ में भक्ति कर लेंगे। इसलिए प्रहलाद को बच्चों ने यही बात बताई, बोले प्रहलाद जब रिटायर लाइफ हो जाएगा तभी एक दो माला कर लेंगे। तुम कहते हो बचपन से भक्ति करो, यदि ये बचपन से क्यों भक्ति करेंगे? तब प्रहलाद ने एग्जाम्पल दिया, देख बच्चों जैसे कच्चा मिट्टी में जो बनाना चाहो तो वो बन जाएगी, लेकिन ये मिट्टी जब पक जाती है फिर उससे कुछ बनेगी? वो कुछ भी इसमें बनने वाले नहीं। जैसे फूल खिला हुआ हो, खिले हुए फूल को ठाकुर जी के चरण में चढ़ा सकते हो, लेकिन फूल जब सूख जाए फिर ठाकुर जी के चरण में चढ़ता है? वो चढ़ती नहीं। बांस जब कच्चा हो, कच्चे बांस को जिधर टेढ़ा करना चाहोगे ना वो तो टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन बांस जब पक जाए, वो टेढ़ी होती है, वो टूट जाएगी लेकिन वो टेढ़ा नहीं होगा है। बोले भैया सरकार रिटायर क्यों करता है? बोले जब देखता है 8-10 घंटा बैठ करके ये काम नहीं कर सकते हैं, बोले भैया घर में जाओ, हो गया जो कुछ होना तेरी हो गया, घर में जाओ। बोले भैया जब साधारण काम से तुम रिटायर हो गए हो, फिर भगवान की भक्ति में क्या लगोगे? ठाकुर जी की भक्ति क्या करोगे? फिर प्रहलाद
लास्ट एग्जाम्पल देते हैं, बोले बच्चों कहते हो बुढ़ापा में भजन करोगे, बोले हाँ, बोले देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ, बोले बताओ, बोले मानो एक इंसान 100 साल जिंदा रहेगा, बोले हाँ, बोले रात रात आधा और दिन आधा, रात जो आधी है 100-100 करके उसको 50 साल खत्म हो गया, 50 साल तो 100-100 कर गया रात में, अभी रह गया 50 साल। अभी एक बच्चे को बचपना तो 10 साल तक बचपना रहता है, खेलने कूदने में लग जाती है, कितना साल गया 50-10 हो गया 60, कम से कम 20-25 साल के लिए, जैसे PhD करो, नेट डॉक्टर इंजीनियर बनो, 25 साल तक तो पढ़ाई लिखा में लग जाएगा। फिर 50-25 कितना हो गया 75 हो गया, अभी कितना साल बच गया, बोले 25 साल। बोले जब 25 साल रहेगा, बोले जवानी, जिस समय जवानी आती है, शादी करना, बच्चों को जन्म देना, उनको फिर लिखाई पढ़ाई सिखाना है, उनको फिर शादी शुदा करवाना, कितने सारे काम हैं, मानो उसमें 10 साल उसमें बीत गया, अभी बाकी रह गया 20 साल। बोले 80 साल से लेकर के 100 साल तक जो जीवन है किसी काम का नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 80 साल के हो, घुटन दर्द हो गया, घुटन दर्द है, कमर दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जाता है, आंख में देखना कम हो गई, कान में सुनना कम हो गया, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, केवल शरीर की चिंता करते करते उसकी समय बीत जाती है। बताओ तुम कहते हो रिटायर्ड लाइफ में भजन करोगे, पहले भजन करोगे कैसे बताओ। प्रहलाद ने कहा देखो बचपन में क्यों, जब बड़े हो जाएंगे भक्ति करेंगे। प्रहलाद ने कहा बताओ तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड है, अगर बीच में राम नाम सत्य हो गया तो? बोले नहीं तो अगली जीवन में करेंगे। बोले दुर्लभ मनुष्य जन्मम, ये जो मानव शरीर है ये 84 लाख जन्म के बाद में एक बार मिलता है, ये मानव शरीर ठाकुर जी बारंबार नहीं देते हैं, इसलिए हे बच्चों जो भक्ति है ना ये बचपन से ही भगवान की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, बुढ़ापा में नहीं। देखो जैसे हम लोग कोशिश करो ठाकुर के सामने हम 10 मिनट बैठ करके ठाकुर जी को याद करेंगे, अब कोशिश करो 10 मिनट, आप देखना 10 मिनट में 1 मिनट भी मन भजन में नहीं लगेगा तुम्हारे, 1 मिनट भी नहीं लगा सकते हो। आंख बंद करते ही रील में जो भरा हुआ ना, जिंदगी में जो भरती है रील में, अरे भैया रील में जो भरा हुआ तो वही निकलेगा, जिंदगी भर तो कचड़ी भर दिया रील में, फिर भगवान निकलेंगे कहाँ? इसलिए जो चीज बचपन से आदत डालो देखना अंतिम समय में वही आदत बनी रहती है। इसलिए प्रहलाद कहता है बच्चों भक्ति आपको बचपन से करनी चाहिए, इसी समय से, जैसे एक कोरे कागज है उसमें जो कुछ लिखोगे ना वो तो स्पष्ट दिखेगा, लेकिन उसको ऊपर एक बार लिख दो दूसरा बार लिखने के लिए जाओ वो दिखेगा नहीं। इसलिए कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई है, जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं तब अंत राम कही, तभी जाकर के अंतिम समय में प्रभु का नाम निकलेगा। क्यों? जैसे देखो जैसे एक बच्चा जैसे CA करता है, इंजीनियरिंग करता है, कितना साल तक पढ़ता है बोलो, कितने साल तक पढ़ते हैं? 20-25 साल तक पढ़ता है एक बच्चा, और जब पेपर आए ना 10-10 घंटा, कल अगर पेपर होता आज रात भर सोता ही नहीं, पुस्तक भर करके ले जाएगा, फिर जाकर के पेपर दे करके किसी तरह से, लेकिन जब लास्ट उसको जो नौकरी मिलता है ना, जब उसको एग्जाम होता है 1-2 घंटा है बाद उसी से उसकी नौकरी मिल जाती है, लेकिन 1-2 घंटा के लिए बच्चा कितने साल तक पढ़ाई करता है बताओ? 25 साल तक पढ़ता है। उसी तरह जगत में जो सबसे दुर्लभ भक्ति है, इसलिए भगवत स्मरण करने के लिए जब तक बचपन से आदत नहीं डालोगे ना तब तक बुढ़ापा में नहीं हो सकता, उन्होंने मना कर दिया। बताओ मीरा कितने उम्र में भजन किया, ध्रुव प्रहलाद कितने उम्र में भजन किए? 5 साल में। तुलसीदास जी जवानी में, कोई बूढ़े बूढ़ी होकर कोई भजन नहीं किया है, बूढ़े बूढ़ी होकर भजन कोई नहीं किया है, सबके सब जवानी में ही भजन किए हैं। इसलिए कहते भैया जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जब तक तुम जन्म जन्मांतरा तक जतन करोगे अंत राम कही, तभी जाकर के अंतिम समय में राम का नाम निकलेगा, नहीं तो सहज में नहीं निकलेगा। इसलिए यहाँ पर श्री विष्णु दूत कहते हैं, जानते हो जब बच्चे का उसने नाम रखा है ना तभी उसकी कल्याण हो गया, लेकिन बारंबार बच्चे को बुलाया नारायण नारायण ये तो माला हो गई,
लेकिन जब अंतिम समय पर ठाकुर का जो नाम लिया है, हैं, ये ठाकुर जी की विशेष कृपा। देखो फिर विष्णु जमदूत क्या कहते हैं, बोले भैया ठाकुर का नाम कब लिया, वो तो अपना बच्चे को नारायण बुलाया था, ठाकुर का नाम कब लिया, वो तो बच्चे को बुलाया था। देखो बच्चों का नाम, ठाकुर का नाम रखने का कितने महत्व है। तब श्री विष्णुदूत कहते हैं ठाकुर जी का नाम चार तरह से कल्याण करता है। बोले कैसे कैसे, बोले सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलने नमेवा। कहते पहला नंबर है सांकेत्यम। सांकेत्यम का मतलब होता है इशारा करके, जैसे बच्चों का नाम कृष्ण, गोविंद, दामोदर, ललिता, गीता, सीता, राधिका नाम रख दिया। अभी बारंबार बच्चों को नाम को बुला रहे हो, कहते ये बहुत बड़ा साधन है। इसलिए पहले पहले लोगों को देखना, अपना घर में देखना, जितने बड़े बूढ़ों का नाम पूछो, देखना सब ठाकुर का नाम होगा, कृष्ण, गोविंद, दामोदर, राम मोहन, ऐसे जितने बड़े बूढ़ी माताओं को पूछो, नाम पूछो, सीता, गीता, ललिता, लक्ष्मी, ऐसे नाम होगा। लेकिन अभी बच्चों का नाम पूछो, टुल्लू, बुल्लू, टिंकी, फिंकी, हैं, फिर नजर लग जाएगा बच्चों को। हम भगवान का नाम नहीं रखेंगे, ये सब नाम जानते हो, सब विदेशी कुत्तों का नाम है, ये विदेश में, ये कुत्तों का नाम सब विदेश में है। कहते नहीं, आप लोग वृंदावन गए हो, कौन कौन वृंदावन गए हो, देखना वहां पर इस्कॉन मंदिर, आप वहां पर जाना, आप देखना छोटे छोटे बच्चे, अंग्रेजी बच्चों को देखोगे, अमेरिका, लंदन, रशिया के बच्चों को देखो, आप नाम पूछ कर जाओ, आप नाम पूछ कर जाना, हम तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, लेकिन उनको मुंह से हरे कृष्ण के सिवाय, राम नाम के सिवाय, राधा राधा के सिवाय, उनको मुंह से कोई नाम नहीं निकल रहा है। वो परसों एक बच्चा बोल रहा था ना, हम लोग पूर्वी है और वेस्टर्न पश्चिम है, सूर्य किधर से उदय होता है, पूर्व दिशा में उदय होकर पश्चिम दिशा में उदय अस्त होता है। अगर पश्चिम दिशा के अगर सूर्य उदय होकर पूर्व दिशा में डूब जाएगा, अगर हमारी संस्कृति को अगर अंग्रेजी लोग ग्रहण करें तो उनकी कल्याण है, अगर अंग्रेजियों का अगर कल्चर को हम लोग ग्रहण करेंगे ना, एक दिन देश डूबने वाले हैं। इसलिए अभी हम जहां जहां जाते हैं एक ही बात कहते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं सुनते। भैया बच्चा कैसी बात सुनेगा, तुमने क्या पिताजी का बात सुनी, बच्चे तेरे बात सुनेंगे। इसलिए क्या करनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं हमारी बच्चे बात सुने, क्या करनी चाहिए, उनको रामायण पढ़ाओ। आप लोग इंडोनेशिया का नाम सुने होंगे, ये मुसलमान कंट्री है, हमारे देश से संतों को बुला करके, मुरारी बाबू का नाम सुने होंगे, इनको बुला करके ले जाते हैं देश में, बोले हमें रामायण कथा सुनाओ, हमें रामायण सुनाओ। बोले क्यों, बोले बच्चे हमारी संस्कारी बनेंगे, हमारी घर की बहू और बेटी ये संस्कारी बनेंगी, हमारी बहू बेटी, इसलिए वो रामायण सुनते हैं। हमारे बड़े गुरु जी को किसी ने कहा, बोले गुरु जी बच्चा बात नहीं सुनता है, गुरु जी बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बच्चों को रामायण पढ़ाया, बोले नहीं, बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ेगा, बच्चे तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे। अगर रामायण पढ़ते, अगर बच्चों को रामायण पढ़ाते, वहां क्या लिखा हुआ, प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु न महिमा था। ठाकुर जी सवेरे उठ करके पहले पिता माता के चरण छूते थे। रामायण देखे हो, देखना जब दशरथ महाराज शयन करते हैं, भगवान राम पिताजी के चरण दबाते, पिताजी के चरण दबाते हैं। इसलिए अगर भगवान राम पिताजी की आदेश पालन करने के लिए 14 साल वनवास ठाकुर जी गए, अपना बेटे को बोलो 14 दिन के लिए कहीं जाओ, मन मर्जी तो 14 दिन घूमने के लिए जाएगा, लेकिन पिताजी के आदेश पालन करने के लिए 1 दिन भी नहीं जाएगा। इसका कारण क्या है, रामायण हम नहीं पढ़ते हैं। बच्चों को पूछो कोई भगवत गीता की कोई श्लोक, किसी बच्चे को पूछो नहीं आएगा। बोलो कौन हीरो का नाम किया, कौन हीरोइन के नाम, ये सब बोलते हैं। देखो मैं कुछ दिन पहले जयपुर कथा करने गया था, जब मैं आ रहा था ना, देखा एक बच्चा 5 साल का बच्चा पतंग उड़ा रहा है, मैंने पूछा बेटा तेरा नाम क्या है, वो जो नाम बोला ना, मैं समझ गया ये मुसलमान है, मैं समझ गया मुसलमान। मैंने कहा बेटा तेरे को कुरान आता है, वो छाती फुला कर, बोले हाँ मेरे को कुरान आती है, बोले मेरे को बोलो, उसने कुरान बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा बच्चा तुम्हारी धर्म में कितने साल से ही कुरान को पढ़ाते हैं, बोले हमारी धर्म में 2 साल कंपलसरी, जब बच्चा जब 2 साल का हो जाए ना, कंपलसरी उसको कुरान पढ़ाएंगे,
कंपलसरी इनके धर्म में आप देखना शनिवार का दिन अपना बच्चे को टोपी पहना करके मेन रोड में लेकर बैठा करके पुराण पढ़ाते हैं। आप बताओ कभी आप लोग अपना बच्चों को कभी भी आप लोग अपना बच्चों को बोल दो बेटा गीता थोड़ी पढ़ो रामायण थोड़ी पढ़ो एक माला जप करो। कोई बोलता है बच्चे के स्मार्टफोन पकड़ा दे 10-20 हजार की ले बेटा स्मार्टफोन तू ले। आप बताओ बच्चे को पर संस्कार कहाँ पड़ेगी बच्चे कहाँ हमारी आदर कर। कुछ दिन पहले मैं ग्रेटर नोएडा कथा करने के लिए गया था ग्रेटर नोएडा एक व्यक्ति वहां कथा कर रहा था। मैंने फरीदाबाद में कुछ दिन गया था देखो ध्यान देकर एक ओल्ड हॉस्पिटल में गया ओल्ड वहां पर जब गया वहां पर एक व्यक्ति बड़े दुखी होकर के बोल रहा था बोले पिता प्रभु जी हम तो बड़े दुखी बोले क्यों बोले बच्चों को तो बोले पढ़ो 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 लेकिन कोई भक्ति की संस्कार नहीं दी। कहते मेरे 5 गज की कोठी है मैंने कहा 5 गज की कोठी फिर ये ओल्ड हाउस बिता रहे कारण क्या बोले बच्चा मेरी बात नहीं सुनता था बहू आई तो इतने लड़ाई झगड़ा हुई मैंने कहा भैया घर में तुम रहो हम तो जा रहे हैं ओल्ड हाउस में जा रहे हैं। देखो बच्चों को अगर संस्कार नहीं डालोगे पढ़ो 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 एटीएम कार्ड अगर बना दोगे ना बच्चा कभी भी तुम्हारी बड़ी होकर आदर नहीं करेगा। जैसे उसको पढ़ाई जरूरत है लेकिन उसके साथ में थोड़ी सी संस्कार भी डालो गीता भागवत रामायण के घर में नियम बनाओ जब तक एक माला कोई जप नहीं करेगा ना बच्चा उसको खाना नहीं बोले बच्चे बात नहीं सुनते बोले बच्चे को जोर जबरदस्ती स्कूल भेज रहे कि नहीं बता जब इतना लिखा पढ़ा जब सीख जाते बोले तुम क्या जानते हो हम इतने लिखा इतने पढ़ाई लिखाई करा देते हो पिता माता को अनादर करता है ऐसे पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब है मतलब कोई मतलब रहता है। इसलिए क्या करो अभी गीता जयंती आ रही है बच्चों के श्लोक जरूर पढ़े और उसकी अर्थ पढ़े। अभी तो मोदी सरकार आया है कोशिश कर रहा है जैसे कंपलसरी कोर्स है गीता की कोर्स हो ठीक है ना। अगर आप चाहते हो घर राम राज्य बने राम राज्य का नाम अयोध्या क्या नाम है जहां पर युद्ध नहीं होता था अबध जहां पर कोई मरते नहीं अगर अपना घर को अयोध्या बनाना चाहते हो उसी दिन बोल रहे थे बहू सीता जैसे हो भाई भरत जैसे हो लक्ष्मण जैसे हो बेटा रामायण को पढ़ो बच्चों को रामायण के संस्कार दो बस तुम्हारे घर ही अयोध्या बन जाए ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। और बच्चों का नाम क्या रखो टुन्नू बुल्लू टिंकी बिंकी मत रखा करो अंग्रेजी संस्कृति से नहीं हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप बच्चों का नाम ठाकुर का नाम रखो। देखो जितना बार बच्चों को गीता सीता राम बुलाओगे ना जिहा से उतना बार ठाकुर का नाम आएगा घर का कल्याण है तुम्हारी जिहा में भी कल्याण है बच्चा जितना बार सुनेगा उसका भी मंगल होगा। कि जिस घर में ठाकुर का नाम गूंजेगा ना कितना मंगल भवना अमंगलहारी घर का सारे मंगल मंगलमय होगा घर का सारे अमंगल दूर हो जाएगी ठीक है। इसलिए बोले श्री भगवान वामन देव की हाँ देखो कहते यहाँ पर उसके बाद में कथा आती है श्री किसका कथा आती है प्रहलाद की कथा आती है जिन्होंने प्रहलाद ने खंबे से उन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया। हिरण्य ने पूछा प्रहलाद को बताओ तेरे भगवान कहाँ है बोले बताओ मेरे भगवान है ही नहीं कहाँ बोले ये खंबे के अंदर में क्या है बोले मेरे को तो दिख रहा है इतने में ने मुष्टि का घात को मारी खंबा फट करके श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान श्री ये भयानी अवस्था में सब छोड़ करके दिए गए लेकिन ये हिरण का प्रति आसक्ति हो गई ना बस उनको हिरण जन्म में जाना पड़ा। यहाँ शिक्षा देते हैं देखो कभी कभी हम घर में गड का रूम नहीं देते पीछे का घर बना देते लेकिन घर में ठाकुर का घर नहीं जीवन वो हिरण जन्म में गए। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जम जम व्यापी शरण भाव त्यजंत अंत कलेवरम जैसे चिंतन करते करते शरीर छोड़ोगे ऐसे ही जन्म होगा। भगवान देव दुर्लभ शरीर दिया है शरीर पाकर की एनर्जी को क्या करो ठाकुर जी की सेवा में करनी।
और जिसमें श्री अंबरीश महाराज की कथा आती है। ये अंबरीश महाराज सप्त दीप पृथ्वी का राजत्व करते थे एकादशी व्रत ये करते थे। एकादशी व्रत करने के नाते इनको लास्ट में सुदर्शन चक्र ने आकर उनकी रक्षा की और उन्होंने दुर्वासा को पीछे भागा। ब्रह्मलोक शिवलोक वैकुंठ लोक तक भी गए लेकिन कोई रक्षा नहीं किए। लास्ट में उनको श्री अंबरीश महाराज के चरण में आकर के माफी मांगना पड़ गया। इसलिए एकादशी की महिमा इतने एकादशी की महिमा है। यदि ये देवता दैत्य में प्राय करके युद्ध होता था, युद्ध हो तो देवता मर जाए तो मर जाए, लेकिन दैत्य मर जाए ना, इनका गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र से उनको जिंदा कर दे। एक दिन देवता लोग ठाकुर जी के पास में गए, बोले ठाकुर जी हम अमर कैसे बनेंगे? बोले समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा, पी करके अमृत को प्राप्त करोगे। इसलिए समुद्र मंथन की तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसको शंकर जी टन के टन उन्होंने जहर को पी करके अपना कंठ में धारण कर लिए, इसलिए उनका नाम हो गया श्री नीलकंठ महादेव। बोले श्री नीलकंठ महादेव की शंकर जी सिखा देते हैं, देखो कोई गंदी चीज होता है ना, कभी उसको मुंह में मत रखा करो, मुंह में रखोगे तो झगड़ा होगी, लेकिन किस चीज को हृदय में नहीं रखनी चाहिए। कहाँ रखो उसको? अपना कंठ में रख लो, अपना में रख लो। इसलिए शंकर जी दुनिया को सिखा देते हैं। अभी मंथन हुई तो वहां से निकली माँ लक्ष्मी। अब बताओ लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? दुनिया को लक्ष्मी चाहिए। अभी तो लक्ष्मी के लिए लड़ पड़े सबके सब। लक्ष्मी बोली भैया ऐसे नहीं होगा, सब जी पति को मैं चुनूंगी। उन्हें सबको पास में गई, सभी के अंदर में कुछ ना कुछ दोष दिखाई पड़ी, लेकिन जब नारायण को पास में पहुंचे देखा सर्वगुण संपन्न श्री नारायण है। फिर उन्होंने उनकी गला में माला डाल दी। बोले श्री लक्ष्मी नारायण की। फिर समुद्र मंथन हुई, धन्वंतरी ने अमृत कलश लेकर निकला। अभी तो भैया अमृत के लिए तो समुद्र मंथन कर रहे थे, बोले अहम थे, सबके सब पागल हो रहे थे। मोहिनी बोली भैया भैया आपस में क्यों लड़ रहे हो, सब कौन है? बोले हम तो भाई भाई, पर लड़ रहे कौन के लिए? दैत्य लोग ने कहा देखो मोहिनी ये अमृत पिएंगे तुम्हारी हाथ में। बोले मैं अनजान स्त्री पर मैं विश्वास नहीं करनी चाहिए। बोले पिएंगे तो तेरी हाथ में, नहीं तो पिएंगे नहीं। बोले देखो मैं जो करूंगी बीच में कुछ बोलना नहीं। बोले कुछ भी नहीं बोलूंगी। बोले दो लाइन करके बैठ जाओ। बोले ये देवताओं को पहले पानी पानी पिला देता हूँ, जो गाड़ी गाड़ी रह जाएगी ना हम एकांत में बैठ करके पान करेंगे। जब उन्होंने देवताओं को पिला रही थी, चंद्र सूर्य के बीच में धोखे से एक राक्षस ने अमृत पी ली। चंद्र सूर्य बोले प्रभु ये देवता ने ये दैत्य धोखे से पी। ठाकुर को बुलाए और उनकी गला काट दिए, एक राहु और एक केतु हुए। इसलिए बीच बीच में चंद्र सूर्य को ये आक्रमण करते, चंद्र सूर्य को ये ग्रास करते हैं। लेकिन जब उनका गला को काट दी ना, देखो ध्यान देकर सुनो, जब गला काट दी जहां पर उसको मांस वहीं से ये प्याज की पौधा हुई, जहां पर ये हड्डी गिरा वहीं पर लहसुन की पौधा हुई, जहां पर ये खून की बूंद गिरी वहां पर मसूर दाल हो गया। इसलिए जो तीन चीज है ये भगवान की सेवा में नहीं लगता है। आप लोग नवरात्रि रखते हो? कौन कौन नवरात्रि रखते हो? आप लोग 9 दिन तक ये चीज को कोई खाते हो क्या? बताओ कोई खाते हो? कोई नहीं खाते। बोले क्यों नहीं खाते हो भैया? कहा है जो सृष्टि है ना वो गंदी चीज से ये सृष्टि हुई है, इसलिए ये ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगती है और ये चीज को कोई ग्रहण नहीं करते हैं। आप बताओ 9 दिन के लिए क्या मैया को खुश रखो, उसको बाद में खाकर फिर नाराज कर दो, फिर उसको नाराज कर दो? इसलिए दूसरे पुराण में भी कथा आई, ये जो मांस है पहले ऋषि लोग आश्रम में गैया पालते थे, ये गो माता है, गैया को कोई मरने नहीं देते थे। कोई गैया अगर बूढ़ी हो गई यज्ञ करके उसको बलिदान देते थे, ऋषि मुनि मंत्र पाठ करने पर गैया जवानी बन करके निकलती थी। कोई गैया बूढ़ी हो गई उसको बलिदान दिए। अभी सबका हाथ में मांस दे दिया आहुति डालने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति मांस खाने का लोभ से उन्होंने रात में छुपा दी,
सबके सब आहुति डाले। ऋषि ने मंत्र पढ़ा तो गया, जवानी भर करके निकली, लेकिन जिस अंग का मांस उन्होंने छुपाया था वहां पर घाव बना हुआ, भरा नहीं। ऋषि बोले ऐसे क्यों? उन्होंने ध्यान लगा करके देखा किसने मांस खाने के लिए छुपाया, फिर उन्होंने अभिशाप दे दिया, जहां पर यह मांस को गड़ा वहां प्याज की पौधा होगी, मांस जैसे लाल लाल रंग के, प्याज भी लाल लाल रंग के बनेगा, जहां पर हड्डी को गाड़ दिया लहसुन की पौधा होगी, जहां पर खून का बूंद गिर पड़ी वहां मसूर डाल होगी। आप लोग देख लेना अपनी परिवार में, किसी हिंदू परिवार में एक दो पीढ़ी पहले देखना हमारे किसी घर में नहीं आते, कोई ये चीज को प्रवेश नहीं कराते थे। क्यों? हर माताएं पिताएं ठाकुर को पूजा सेवा करते थे, ठाकुर जी के घर में भोग लगता था ठाकुर जी को। बोले भरे ये कहां से आ गए, ये सब कहां से आई? बोले मुगल लोगों ने लाए, ये लोग ला करके ना हम लोग को धीरे धीरे हमारी ये मांस शराब मदिरा ये सब, पहले कोई हिंदू थोड़ी खाता था, कोई हिंदू नहीं खाते थे, हर हिंदू था घर घर में ठाकुर को पूजा ठाकुर जी को सेवा होती थी, इसलिए जो चीज ठाकुर जी को प्यारा नहीं वो चीज हमें भी प्यारा नहीं होनी चाहिए, और ये चीज से ठाकुर को भोग नहीं लगता। इसलिए 9 दिन तक जो नवरात्र रखते हैं माताएं, इसलिए तो 9 दिन तक नहीं खाते, कारण यही है, क्यों? उसकी गंदी चीज से सृष्टि हुई है। इसलिए आप लोग भी कोशिश करना धीरे धीरे इसको छोड़ करके शुद्ध रूप में भगवान को भोग लगा करके खाने के लिए कोशिश करना। इतने में ठाकुर जी हैं अमृत पिलाते पिलाते उन्होंने सारे देवता को पिला करके ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। फिर देवता देखते में लड़ाई हुई, देवता लोग तो अमृत पी चुके थे, जैसे केले का पेड़ को काटता है ना, ऐसे ही दैत्य को एक तरफ से काटना शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने देखा लगता है दैत्य वंश ध्वंस हो जाएगी, फिर उन्होंने आकर के मना कर दी। फिर शुक्राचार्य जी आए, संजीवनी मंत्र से सारे चेलों को उन्होंने जिंदा कर दी। बलि महाराज ने एक विश्वजीत नाम का यज्ञ की, यज्ञ से एक रथ निकला अस्त्र शस्त्र को साथ में, जो बैठ करके युद्ध करेगा कोई परास्त नहीं कर सकते। फिर उन्होंने स्वर्ग राज्य में चढ़ाव करके देवता को मार मार कर भगा करके सिंहासन में बैठी गई। अभी देवता लोग दर दर भटक रहे हैं मर्त्य जगत में। इनकी माता अदिति ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की, मेरे बच्चों को स्वर्ग कैसे मिलेंगे? बोले काम करो, एक पयव्रत 10 दिन का इसको करो, ठाकुर जी प्रसन्न होकर के वामन रूप में आएंगे, फिर स्वर्ग राज्य देंगे। व्रत की तो ठाकुर जी श्री वामन रूप में आते हैं। बोले श्री वामन भगवान की जय। जब श्री भगवान वामन देव आए, उनकी उपनयन संस्कार हुई, नियम है संस्कार के बाद में बच्चे को कुछ दक्षिणा देना पड़ता है। बोले गुरु जी बताओ दक्षिणा क्या चाहिए? बोले जाओ तुम श्री बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं नर्मदा नदी किनारा में, उनसे स्वर्ग राज्य मांग करके लाओ। जब उन्होंने बलि महाराज का दरबार में पहुंचे, इतने सुंदर वामन देव थे जिनको देख करके बोले आज मेरे राज्य जीवन धन्य हो गया, इतने तेजस्वी ब्राह्मण। बोले बताओ जो कुछ मांगोगे सो कुछ देने के लिए तैयारी, आपका मैं झोली भर दूंगी। बोले पहले आप संकल्प करो, फिर बाद में फिर मैं मांगूंगा। फिर जब संकल्प करने जा रहे थे ना, इतने में शुक्राचार्य को पता चला, शुक्राचार्य तो भागते भागते आया। बोले बली सावधान। बोले जानते हो ये कौन? बोले कौन है? बोले पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना, वही मोहिनी अभी मोहन बन करके आया। देखो ये 3 पग जमीन मांगेगा, 3 पग नहीं ये सर्वस्व अपहरण करके ले जाएगा, ऐसे दान को दान नहीं मानते हैं। बोले भैया मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही है, एक तो देवी फिर शेर को ऊपर बैठ करके आई, ये तो एक तो दान मांगने। बोले फिर ठाकुर जी वो तो इच्छा करने पर सब कुछ ले सकते हैं, आज मेरे दरबार में ये दान मांगने के लिए ठाकुर जी आए, जरूर मैं इसको दान दूंगा। बोले मैं गुरु जी हूं मेरी बात नहीं सुनोगे? बोले नहीं। बोले तेरे को मैं अभिशाप देता हूं, तू स्त्री भ्रष्ट हो जाओगे। उन्हें अभिशाप दे दिया। देखो यहां पर एक शिक्षा देते हैं, एक गुरु है ना, कभी गुरु को त्याग नहीं देनी चाहिए, शास्त्र बताया गुरु त्याग देना पाप है, लेकिन बलि महाराज गुरु त्याग दिए। बोले फिर ये कैसे त्याग दे दिया? देखो ये शास्त्र कहता है अगर गुरु जी अगर भक्ति मार्ग से च्युत हो गए,
भक्ति मार्ग को छोड़ दिया, उससे चुप्त अगर हो गए, शास्त्र कहता है अगर गुरुजी वैष्णव नहीं, शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में नहीं है, देखो ये पद्म पुराण का श्लोक है, बोले अवैष्णव उपदिष्ट न मंत्र न निरंबृजे, अगर गुरुपाद पद्म शुद्ध वैष्णव परंपरा में नहीं है, मंत्र लेने से फिर नीचे जाओगे, ऊपर नहीं। बोले पुनश्च, फिर अगर हमें चीज पता चले, पुनश्च विधि नाम सामग्री, उपयुक्त विधि विधान को साथ में ग्रहयात वैष्णवात, गुरु वैष्णव गुरु हमें ग्रहण करनी चाहिए, इसलिए गुरु त्याग नहीं देनी चाहिए। लेकिन शुक्राचार्य गुरु को त्याग दिया, क्यों? भगवान की भक्ति में जो विरोध कर रहे हैं भक्ति में, और जो चुत हो गए हैं, त्याग करने से इसमें कोई दोष नहीं। फिर जब संकल्प करने के लिए गए, फिर गंगा सागर में जो नार में, फिर कीड़े बन करके बैठ गए, फिर कुछ से छेद किया था, एक आंख ही चली गई। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर कोई भक्ति की चीज हो ना, उसमें कभी टांग मत उड़ाओ। अगर हमसे कुछ बन पड़े करो, लेकिन कभी भक्ति चीज के विरोध नहीं करनी चाहिए। अगर भक्ति पद में विरोध करना फिर तो काना होकर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए उनकी एक आंख ही चली गई, फिर तो वहां से वो भाग गए। फिर उन्होंने संकल्प की तो ठाकुर जी एक पग में भूर भूव मोहजन तपस्त लोक तक चरण पहुंचा। ब्रह्मा जी उनका अभिषेक करते हुए कमंडल में भरे, वही श्री पतित पावन श्री गंगा देवी बनी। बोले श्री गंगा देवी की दूसरे चरण को अतल बीतल तलातल पाताल तक ले गई। बोले बताओ अभी चरण कहाँ रखे, कहाँ चरण रखे? बड़ा ढीघ आग रहा था, इतना दूंगा कभी झोली पसारने का कहीं जरूरत नहीं, दो पग में सब कुछ ले लिया। बताओ उन्होंने नाग फांस बंधन में बांध दिए। जब बांध दिए, देखो उनकी जो पत्नी थी ना, बड़ी धर्मवती, बहुत अच्छी पत्नी। पत्नी ने कहा ठाकुर को क्या दिया, ये दुनिया ठाकुर जी का है, दुनिया ठाकुर जी का ठाकुर ले लिया, तुमने क्या कुछ तो दिया ही नहीं। जब तक स्वयं को स्वयं आत्मा समर्पण नहीं करते हो ठाकुर जी के चरण में, थोड़ी देना देना मिलते हैं। बोले बताओ क्या करे? बोले बोलो ना, सर पर रखे, चरण को सर पर रखे। देखो बलि महाराज इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। बोले भैया पत्नी ऐसे होनी चाहिए। देखो आप बुरा मत मानो, कहते दो तरह का पत्नी है, एक धन पत्नी और एक धर्म पत्नी। बोले धन पत्नी कौन है? बोले जब तक धन रहे तब तक रहे, उसको बाद में चले जाए। बोले धर्म पत्नी कौन है? बोले पति को साथ में कंधे मिला करके विपत्ति संपत्ति दुख सुख में हर समय जो पति को साथ देते हैं, कभी ये धर्म पत्नी है। बोले सचमुच से तू धर्म पत्नी हो, विपत्ति अवस्था में भी, अभी तो मैं सोच में पड़ गया था, मैं करूँ क्या, ठाकुर को दो क्या, लगता है मेरे वाक्य नष्ट हो जाएगी। इतने खुश हो गए पत्नी के ऊपर में। बोले प्रभु ये बताओ, दानी बड़ा ना दान बड़ा? बोले दानी बड़ा। बोले तो आप दानी लिए, दानी रह गया। बोले बताओ कहाँ रखे? बोले सर पर रखो ना, भगवान उनकी सर पर चरण रखे। वो चरण क्या है, चरण है क्या चीज? कहते हैं शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद, जिन चरण को ब्रह्मा शंकर नारद भी लक्ष्मी जिस चरण को गोद में लेकर के नित्य निरंतर पूजा करती, वो चरण है। देवता लोग इतने खुश हो गए, उन्होंने तो स्वर्ग से पुष्प की बौछार की। बोले श्री बलि महाराज की, श्री बामन भगवान की। भगवान संतुष्ट होकर सुतल लोक में उनको स्थान दी। बोले बताओ वर चाहो? बोले प्रभु एक ही वर दो, जब मैं घर से बाहर निकलू आपका दर्शन करते हुए, जब अंदर में आऊं आपका दर्शन करता हूं। ठाकुर जी तथास्तु बोल दिए। बताओ ठाकुर क्या बोले? द्वारपाल। ठाकुर जी दरवान बन गए। एक दिन नारद जी वैकुंठ में गए। बोले ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले पता नहीं, कहीं तो गए, अभी तक आए नहीं। बोले ठाकुर तो विदेश में अपना नौकरी कर लिया। बोले नौकरी? बोले कहाँ पर? बोले बलि महाराज के दरबार पर। बोले कौन सा नौकरी? बोले दरबार की। अभी माँ लक्ष्मी ठाकुर जी को लेने के लिए आए, और देखा ठाकुर जी कह रहे हो जगते रहो जगते रहो। बोले यही कसर रह गई थी, बोले यही बाकी रह गया था। मतलब भगवान सब कुछ तो भक्तों के प्रेम में तो वसीभूत हुए, बोले यही बाकी कसर रह गया था दरबार बनने का। बोले बात मत करो, अभी मैं ड्यूटी में हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ। अभी बलि महाराज रोज दान देते हैं, माँ लक्ष्मी भी उसी लाइन में खड़े हो गए।
जब लक्ष्मी की बारी आई ना, बोले बताओ क्या चाहिए, बोले पहले संकल्प करो। बोले पहले तो एक संकल्प कराने वाला आया था, ये दो बार कौन आ गई संकल्प कराने वाली है। बोले संकल्प का क्या जरूरत है, जो कुछ मांगना मांगो ना, ये संकल्प की क्या जरूरत है। बोले भैया बगैर संकल्प के तो मैं मांगती नहीं है, मैं तो मांगती नहीं संकल्प जब की। बोले देखो मेरे घर में सब कुछ चीज है, लेकिन मेरे घर में एक चीज की कसर है, कोई अच्छे दरबार नहीं। मैंने देखा आपकी एक दरबार वहां पर बैठा हुआ, ये दरबार को दे दो। वो समझ गए ये तो और कोई नहीं है। बोले पहले बताओ अब है कौन। वहां पर माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट होती हैं। बोले देखो मैं तो ठाकुर को दे ही नहीं सकता हूँ। बोले ठाकुर जी आप एक स्वरूप में जाओ और दूसरे स्वरूप में यहाँ पर रहो। देखो भगवान भक्तों की प्रेम में कितने वसीभूत हो जाती है, चीज को समझो। किसको दान दे रहे हैं, माँ लक्ष्मी को। सारा दुनिया लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, हाँ? सारा दुनिया लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, सारा दुनिया जिसको पास में मांगती है, अभी माँ लक्ष्मी हैं, इसलिए यहाँ माँ लक्ष्मी को दान दे रहे हैं। क्या दान दे रहे हैं, छोटे मोटे चीज नहीं, विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक ठाकुर जी को माँ लक्ष्मी को दान दे रहे हैं। मतलब भगवान भक्तों का प्रेम इतने वसीभूत हो जाते हैं। इसलिए श्री बलि महाराज की जय जयकार हो। बोले श्री बलि महाराज की ले आओ भैया, बामन भगवान को ले आओ। हाँ देखो अभी ठाकुर जी आपको पास में भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे। ठाकुर जी को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है। जैसे सुदामा जी दो मुट्ठी चिड़िया दिए, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिए, आज ठाकुर जी स्वयं भिखारी बन करके आपको पास में जा रहे हैं। आप लोग ठाकुर जी को कुछ ना कुछ दान देना। देखो आज तो भगवान कृष्ण अभी जन्म लेने वाले, कल श्री राधा रानी जन्म लेगी। कौन जन्म लेगी कल, जोर से बोला। आज कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए हो पिल्ला, कल आप सबके सब गुलाब रंग के साड़ी पहन करके आना, क्योंकि राधा रानी का जो सुंदरी है ना वो गुलाल रंग की, और जो गुलाल रंग ये अनुराग का प्रतीक है। कल सबके सब गुलाब रंग के साड़ी और राधा रानी की जन्म उत्सव में आना, और कल बड़े धूमधाम से राधा रानी की जन्म उत्सव को मनाएंगे। बोले श्री भगवान वामन देव की जय, जय श्री राधे। तेरी बारी खड़ा भगवा, तेरी बारी खड़ा भगवान भगत भर दे, भगत भर भगत भर दे, भगत पाल
कृष्ण जन्म लेने वाले हमारे राधे राधे जी। आज हमारे बीच इस सब के बाद सीजी एंड डीडीएफ फ्लाइट्स के जनरल सेक्रेटरी श्री मारवा जी आए हुए हैं, ये फ्लोर सब कहना चाहते हैं। पूरी बांके बिहारी लाल की, नहीं ऐसे बात नहीं करते, आप इतनी संगत बैठी हो और इतने प्यार से, नहीं आज जितना दम है आपने उस तरह बोलना है। बोलो बांके बिहारी लाल की, धन्यवाद। अभी महाराज से आशीर्वाद मिला है, मैं कल भी आया था वैसे, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये भागवत कथा यहाँ पर हो रही है। दो चीजें हैं तुम्हारा, दो चीजें हैं, भरोसा और आशीर्वाद। आशीर्वाद तो सब आपका मिला, इनका मिला और किशन महाराज जी का मिला, मगर भरोसा, ये भरोसा हमारा डोला नहीं, भरोसा हमारा डोला नहीं। क्यों? आप लोगों का सबका आशीर्वाद था, महाराज जी का आशीर्वाद था, किशन महाराज जी का, हम डोले नहीं। चार पांच दिन तक तो भारत यही लग रहा था कि ये अब की बात जो भागवत कथा वो यहाँ नहीं होगी। देखिए लास्ट ईयर भी हमारे को एक जज है महाराज जी, एक जज बीच में आके खड़े हो गए कि आप भागवत कथा करो। अभी ये बता रहे थे कि जो टांग अड़ाने वाले हैं वो काने हो जाते हैं, पता नहीं उनको क्या होगा। क्यों टांग अड़ाने वाले अब की बार भी वो खड़े हो गए, अब की बार भी सोमवार को एक जज ने कह दिया आप भगवत कथा तीनों कराइए, यही कराइए, जबकि परमिशन नहीं मिलने से हम भाग भाग के तंग आ गए, इसलिए राम मंदिर में जाके हमने बुक करा दिया। नहीं, ये सब आपकी वजह से है, ये सब आपके प्रेरणा। देखिए अगर भरोसा और आशीर्वाद अगर इकट्ठे हो जाए असंभव को संभव बना देते हैं, असंभव को संभव बना देते हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब बड़े प्यार सत्कार के साथ यहाँ आए हैं और खुशियां लेने, और आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आने वाले सालों में हमें कभी ऐसी मुश्किल हो ही नहीं। अगर ये मुश्किल हल हो जाती है वो भी आपकी वजह से, तो प्लीज बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। हम कोशिश करते रहेंगे कि आप यही, कितना कितना आनंद आ रहा था कल भी और आज भी, देखिए मैं आपसे फिर आशीर्वाद चाहूंगा कि आप आशीर्वाद दीजिए ताकि हम जो जिस काम पे लगे हुए हैं इसका भरोसा नहीं डोला। इसी को भेज दिया मैंने, मैंने कहा आप जाओ देखिए जैसे भी होगा, इनका भी अनु और अनुराधा सारे जितने भी आप हैं, मैं बाकी सबके नाम नहीं जानता, मुझे ये दो तीन बन गया। देखिए आपको भरोसा और भरोसा डोलना चाहिए भी, जो भी आप काम करना चाहते हैं भरोसे के साथ कीजिए, आगे उसने पार करना है,
जितनी मर्जी अड़चने आती रहे, जीतना हमने ही है और जीते ये आप सब बैठे हैं। मैं फिर वो दो पंक्तियां महाराज जी में सुना के मेरे को जाना है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। अदब टकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते कहा से, तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया। धन्यवाद। गुरु गोविंद राय राधिका राधा कृष्णा कृष्ण भक्ति नमो नमः। अपने गुरुपाद पद्म और पूज्यपाद महाराज जी के चरणों में कोटि पंडित प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी श्रोतागणों को दंडवत प्रणाम, वैष्णव वैष्णवों को यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आप जब घुस रहे होंगे तो आपने देखा था बाहर एक स्टॉल लगा हुआ है, सामने कुछ ग्रंथ वहाँ पे रखे हुए हैं। तो कल जो बात कर रहा था मैं कि सेनापति यहाँ आए हैं, कुछ सैनिक यहाँ आए हैं, तो असला बारूद भी तो लाएंगे, बिना असला बारूद के क्या काम। और असला बारूद कैसा होना चाहिए कि बम छोड़ा और फुस, तो फिर तो कुछ होगा नहीं। इसका जीवंत एग्जाम्पल है हमारे सामने और हम देख भी रहे हैं। हमारे गुरुदेव और पूज्यपाद हमारे भक्ति वेदांत हमारे स्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी इस्कॉन के प्रभुपाद जी, वो यही असला बारूद लेके उस विदेश में गए थे जहां पे कृष्ण के का को भी कोई नहीं जानता था। कृष्ण के का को भी कोई नहीं जानता था। वो गाय का मांस खाने वाले, नशे में धुत रहने वाले, उनके पास ये असला बारूद लेके गए थे। ये ग्रंथ वहां लेके गए थे, उन्होंने इन ग्रंथों को वहां बांटा, इस भगवत गीता को, और इन्हीं भगवत गीता से निकले हुए छोटे छोटे ग्रंथ उन्होंने लिखे और उनको दिए। और देखो आज वही अंग्रेज यहाँ आके उछलते हैं कीर्तनों में, हमसे शायद ज्यादा ही अच्छी भक्ति कर रहे हैं। हम तो बोलते थे अरे हम तो महाराज जी ग्रस्त हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, कृष्ण तो हमारे घर का है, ये है। पर देखो वो कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, लाखों लाखों रुपए खर्च करके यहाँ आते हैं। तो अब हमारा क्या बनता है? देखना, ऐसा नहीं है कि मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ। प्रसाद हो रहा है बहुत अच्छी चीज है, पर ये जो प्रसाद हम पा रहे हैं, जो भी हम खाते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं? अभी खाया और सुबह कहाँ फ्लश, क्या ऐसा ही होता है ना? पर ये वो प्रसाद है, ये वो प्रसाद है। आज आप लेके जाओगे, अगर खुद नहीं पढ़ा, किसी के हाथ में भी लग गया, महाराज जी खुद ऐसे इतने सारे उदाहरण आपको दे सकते हैं कि कैसे किसने किसको कैसे ग्रंथ मिला। और अपनी बात अगर मैं कहूं, मुझे भी एक छोटा सा ग्रंथ कहीं पे मिला था, उसको पढ़ के मैंने सोचा कि ये कहाँ है, ये किसने लिखा है, कौन इसके लेखक है। तब जाके गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंचा। गुरुदेव ने इस ग्रंथ के माध्यम से ही, ये क्या है, जैसे मछली को दाना डालते हैं निकाल लेते हैं ना, ऐसे ही इस ग्रंथों से भी मैं गुरुदेव के पास पहुंचा। आज देखो कृष्ण जन्म होने वाला है, एक बहुत विशेष ग्रंथ है गुरुदेव का, कृष्ण लीला अमृत। इस ग्रंथ में बताया है कि भगवान की पूरी जीवन जो जन्म लीला है वो बताई, जैसी है वैसी। हमें तो ये, हम में से कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता हुआ, कंफ्यूज होंगे कि भगवान ने मथुरा में जन्म लिया या वृंदावन में लिया। उस कंफ्यूजन को गुरुदेव ने दूर किया और प्रमाणों के साथ। समझना, ये जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, ऐसा नहीं है भी किसी ने अपने मन से लिख दिए। हमारे हाथ में कई ग्रंथ हो सकते हैं, कई किताबें बट सकती हैं जिसमें किसी ने भी कुछ छाप दिया होगा, पर ये प्रमाणिक हमें देखेंगे। अपने बच्चे को बताओ कौन से कॉलेज में भेजोगे, जिसके पास यूजीसी अप्रूव्ड भी नहीं है, या आईआईटी में भेजोगे बताओ, या आईआईएम में भेजोगे, एम्स में भेजोगे डॉक्टर बनने के लिए, आईआईटी में भेजोगे इंजीनियर बनने के लिए, या घर के नुक्कड़ पे कोई भी ऐसे खोल के बैठ गया कॉलेज, वहां भेजोगे बताओ, कहां भेजोगे?
आईआईटी में भेजोगे या आईएम में भेजोगे? क्यों? क्योंकि वो प्रमाणिक है, वहां की डिग्री प्रमाणिक है। ऐसे ही वो ग्रंथ पढ़ना जहां प्रमाणिक हो। पूरी गुरु परंपरा है हमारी जो ये प्रमाण करती है, और शास्त्रों से प्रमाण ले लेके ये यहाँ से श्लोक बोला, ये वहां उस जगह ऐसा बोला है भगवान ने, इस जगह ऐसा इसने बोला है, उन प्रमाणों के साथ ये ग्रंथ बने हैं। इसलिए ये ग्रंथ ही आपके काम आएंगे। ये जो ग्रंथ मैं दिखा रहा था, अगर आप चाहें तो आज जो प्रसाद की सेवा करना चाहते हैं, आज ये प्रसाद बंटवाओ, आओ पीछे, अपने मन से जो देना चाहते हो दे दो। मैं ये 400 ग्रंथ लाया हूँ, केवल कितने 400। मैं चाहता हूँ कि एक भी वापस ना जाए। हेल्प करोगे मेरी? देखो ये जो ग्रंथ है ना, जैसे कृष्णा गीता में कहते हैं, अर्जुन मेरा जन्म नहीं है, मेरा जन्म नहीं है, लेकिन फिर प्रभु अजन्मा होकर फिर जन्म क्यों लिए? वो तो अजन्मा, कृष्ण खुद कहते हैं जन्म कर्म च मैं दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य है, पर प्रभु जन्म क्यों लिए? कहते जो छोटी ग्रंथ है उसमें करीब करीब 15 कारण बताया गई क्यों भगवान जन्म लिए। लेकिन इसका ज्यादा पैसा नहीं है। कितना पैसा है उसका? 20 रुपया की ग्रंथ है। अगर ये ग्रंथ ले जाओगे, अगर बच्चे तुम्हारी पढ़ेंगे हैं, उनको भी पढ़ करके उनका भी फायदा होगा, अगर आप भी पढ़ोगे आपका भी फायदा होगा। इसलिए आप लोग जो इच्छा है आप लोग वहां से ले सकते हो, और जो बंटवाना चाहते हैं आप लेकर के बंटवा भी सकते हो। दीदी बोलो। हरे कृष्णा। गुरुदेव महाराज की जय। श्रीधर महाराज की जय। वैष्णव वृंद की जय। आप सबकी जय होना चाहिए, सबकी जय होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर कितने सौभाग्यशाली हैं हम सब लोग, है ना? कहते हैं हमारे एक गौड़े भजन है बहुत सुंदर, गंगा ये परश हेले पश्चाते पावन दर्शन पवित्र करे यही तो मार गुण। कहते गंगा जी कहाँ बह रही है? हरिद्वार में बह रही है कि नहीं बह रही है? यहाँ से कितने घंटे लग जाते हैं जाने के लिए? यहाँ से इतनी दूर से जाओगे, प्लानिंग करोगे, खर्चा करोगे, पानी इतनी दूर जाओगे, वहां पे जाके जब गंगा जी में स्नान करोगे ना, तब जाके आप पवित्र होते हैं। लेकिन वैष्णव को क्या गुण है बता रहे हैं कि जैसे ही दर्शन हो जाते हैं, जब वैष्णव के दर्शन हो जाते हैं तो वो वही तुरंत पवित्र कर देते हैं। ये शास्त्र वचन है, लेकिन कौन कौन पवित्र होगा? जो दृढ़ता से इस पर विश्वास करेगा। अब सामने जैसे महाराज जी कह रहे थे ना, ये ठाकुर जी बैठे हुए हैं, तो हमें मूर्ति रूप में दिख रहे हैं या साक्षात भगवान दिख रहे हैं, ये तो आप जानते हैं। जो कथा यहाँ पे ये सुन रहे हैं कि ये कथा सुन के मैं पवित्र हो जाऊंगी, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तो यकीन मानिए उनका जन्म सफल हो गया। जो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ठीक है आज की शोभा देखकर आते हैं कैसी है, तो फिर वो शोभा ही देखते रह जाएंगे, है ना? तो दूसरे कह रहे हरे स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम्हारे स्थाने नहीं अपराधे कई एड़ा। कहते अगर भगवान के चरणों में कोई अपराध हो जाए, है ना, अगर भगवान के चरणों में अपराध हो जाता है तो भगवान का नाम उसे तार देता है, लेकिन अगर वैष्णव के चरणों में अपराध हो जाए तो उसे भगवान भी माफ नहीं कर सकते। इसका भी प्रमाण है अमरीश महाराज जी को जो उनको दे दिया गया था। अमरीश महाराज जी के उसमें दुर्वासा ऋषि जी आए थे महाराज जी, तो उनको भी उन्होंने अपराध कर दिया था अमरीश जी के, क्योंकि वो भक्त थे, भक्त के चरणों में अपराध करते तो भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। तो कहते हैं ये तो भक्त भागवत है जो हमारे सामने पवित्र कर रहे हैं, जो रोहित प्रभु जी ने, जो आपको रोहिणी नंदन प्रभु जी ने बताया, कहते हैं एक ग्रंथ भागवत भी होते हैं। भक्त भागवत तो हर जगह नहीं मिल पाते, साल के साल यहाँ पे महाराज जी आते हैं, अपने वचनों से कथा रूपी अमृत से हम सबको पवित्र करते हैं और इस जगह को भी पवित्र करते हैं। पेड़ पौधे ये पार्क में जो है, एक एक छोटा कीड़ पकौड़ा मकौड़ा जो कोई भी है वो सब पवित्र होते हैं, है ना? एक होता है ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत वो होता है जिसको शुद्ध मन से अगर ग्रहण करके पढ़ा जाए। रात को सोने के लिए भी तो रीडिंग होती है, रीडिंग करते हैं कि नहीं करते? मैगजीन पढ़ते हैं, दूसरी सब चीजें पढ़ते हैं कि ठीक है नॉलेज होनी चाहिए, तो नॉलेज हमें अपने भी बारे में भी तो होना चाहिए। और वो उस मैगजीन को पढ़ के नींद तो एक हमें मानसिक है कि मैं इसको पढ़ लूंगी, जैसे एक चाय की हैबिट है, बिना चाय एनर्जी नहीं आती, ये हमारे मन का वहम है। और जिस दिन व्रत हो या कुछ हो, जिस दिन समझ लिया पीना ही नहीं है, उस दिन भी फिर भी एनर्जी रहती है क्योंकि आपका माइंड सेट होता है।
इसी तरह से अगर मैगजीन पढ़ के या किसी और चीज से पढ़ के आप लोग सो जाते हैं या आपको सुकून मिलता है वो सब चीजें, तो ये आपका मेंटली है। लेकिन अगर आप ग्रंथ भागवत रात को भी पढ़ के अगर सोने की हैबिट डालें तो उसका आपकी रात तो पवित्र है ही है, अगला दिन भी सुबह भी पवित्र है। और वो जो आपका ज्ञान का सागर जो आपके अंदर की ज्योति को जलाएगा वो हमेशा ही प्रकाशमान रहेगा, जो कोई दूसरी मैगजीन या कुछ में नहीं कर सकता। तो जो थोड़ा बहुत भी देखो क्या कोई वो नहीं है, लेकिन भगवान ने अपने आप को कितना मोल होते हुए भी उनका कोई अपना कोई उन्होंने मोल नहीं रखा, 20 रुपया कुछ नहीं है। लेकिन कभी भी अगर ये मैगजीन आप लेके जाते हैं या ग्रंथ भागवत आप लेके जाते हैं, थोड़ा सा एक लाइन भी पढ़ेंगे तो आप अपने जीवन को तार लेंगे। हरे कृष्ण, देखो आपको एक सही घटना सुना रहा हूँ। 8 तारीख को गीता जयंती ना, अच्छे तरह से ध्यान देकर सुना, हमारी ये गीता क्या ग्रंथ है। गया था बंदूक को लेकिन भूल से उसका जब गीता आ गई वो तो मरने जा रहा था, बोले गीता क्या। उन्होंने हठात खोला, देखो ठाकुर की कितने कृपा है ठाकुर जी की। जब उन्होंने पहला पन्ना खोला तो उसमें भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन अगर तुम शांति पाना चाहते हो तो जब तक मेरे शरण में नहीं आओगे ना तब तक तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगा। तब उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया, जैसे कि तो एक पिंजरा है, पिंजरा में एक तोता रहता है। अगर आप तोता को खाना मत खिलाओ, पिंजरा को दिन भर आप पेंटिंग करते रहो, बताओ वो तोता जिंदा रहेंगे कि नहीं। आप बताओ दिन भर पिंजरा को पेंटिंग करते रहो लेकिन तोते को खाना मत खिलाओ, बताओ पिंजरा तोता जिंदा रहेगा कि नहीं। ठीक उसी तरह वो जो बंदूक पकड़ जा रहा था ना मारने के लिए खुद को, वो मरना छोड़ दिया, उसने देखा ये ग्रंथ आया कहां से, उसमें एड्रेस और फोन नंबर था। उसने फोन किया, बोले यहाँ पर कोई आश्रम क्या है, बोले हाँ, बोले आपसे मैं मिलना चाहता हूँ, बोले आओ। लेकिन वो जो मिलने के लिए आया ना, बोले मेरे को शांति नहीं घर, हम तो डिप्रेशन में मरने जा रहा था, लेकिन हठात आपकी मेरे को तो एक नया चेतनता मिली, हम शरीर नहीं है आत्मा है, जब तक ये आत्मा की शरण में नहीं जाता तब तक उसको शांति नहीं मिलती है। अब शांति कैसे, वो भक्तों लोगों ने उनको समझा। आप लोगों ने मोदी का नाम सुने हो, कौन कौन मोदी का नाम जानते हो? ये मोदी जिस देश में जाता है जानते हो, वहां के प्राइम मिनिस्टर को क्या गिफ्ट देता है, गीता भगवत गीता उनको गिफ्ट देता है। बोला आप गीता पढ़ो, ये मोदी ये माला जप करता है, रोज रोज दो माला जप करता है। हेमा मालिनी का नाम सुने होंगे, वो हेमा मालिनी भी ये माला जप करती है। इसलिए भगवान के नाम जो स्पिरिचुअल आनंद है ना, हम सोच नहीं सकते, दिव्य आनंद है। इसलिए वो ग्रंथ बिक रहे हैं, अब अगर लेना तो आप लोग ले सकते हो। बोलो सुनो, तो ग्रंथ भागवत की, ग्रंथ भागवत को जैसे अभी बताया ना कि रात में अगर पढ़ेंगे तो चैन की नींद आएगी और आपको स्लीपिंग पिल्स भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कहते हैं ना भगवान, जैसे महाराज जी ने बताया कि एक एक शब्द या एक एक श्लोक हमारे जीवन को बदल सकता है, तो जितना पढ़ेंगे तो जानने को मिलेगा। तुम्हारा नाम क्या? संगीता। हाँ, संगीता दीदी ने वहां से कुछ ग्रंथ लिया जिसमें भगवान कृष्ण क्यों जन्म लिए इसमें 15 कारण बताया गया, अगर वो फ्री में दी है जो लेना चाहते हो लास्ट में इस ग्रंथों को अभी तो ले जाना फ्री में, लेकिन वही लेना जो पढ़ना चाहते हो, ऐसे नहीं फ्री में लेकर के रख दिया, वही लेना जो पढ़ना चाहते हो। क्योंकि जब ग्रंथ भागवत पढ़ेंगे तो कहीं ना, जैसे कृष्ण, कृष्ण भगवान को हम क्या समझते हैं बताइए, कौन है कृष्ण? सभी लोग बोलेंगे भगवान है जिनकी कथा सुनने के लिए आए। भगवान से हम लोग लेना ही जानते हैं एटीएम कार्ड की तरह, क्योंकि वो सब कुछ हमें दे सकते हैं, चाहे जो चीज भी, किसी भी चीज की कमी हो तो हमें मिल सकती है। लेकिन कभी किसी चीज में किसी ने ये सुना है कि कृष्ण भी हमसे कुछ चाह सकते हैं? बताइए किसने सुना है, हाथ खड़ा करें। बस दो बच्चों ने सुना है। चलिए, कहते हैं ना कि कृष्ण से तो हम सब कुछ तो लेते हैं और कृष्ण को हम ही सब उनसे सब कुछ मांगते हैं, लेकिन कभी जो है भगवान भी हमसे कुछ चाहते हैं। ये सिर्फ कहाँ जाना, जब सतगुरु के चरणों में आए तो हमें पता चला कि कृष्ण भी हमसे कुछ चाह सकते हैं, और वो क्या चाहते हैं? सिर्फ प्रेम। प्रेम के अलावा वो कुछ भी नहीं चाहते। इसलिए यहाँ पर
जो कथा बह रही है वो प्रेमामृत अमृत है, प्रेमा अमृत है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से आपको प्रेम की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि कहते हैं ना जिस चीज का आधार हो, भागवत रखवाने का भी तो एक आधार है, तो उस जिस चीज का आधार हो वही चीज सबको वितरण होती है। अब कपड़ों की दुकान में जाओगे तो कपड़े ही मिलेंगे ना, वहां पे कुछ और तो नहीं मिलेगा, अनाज तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रेम की दुकान है, यहाँ पे कृष्ण प्रेम ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिल सकता। लेकिन जैसे महाराज जी ने बोला कि ये कल्पतरु वृक्ष के समान है, तो हम तो प्रेम ही बांटने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, महाराज जी तो प्रेम ही बांट रहे हैं, कृष्ण भी प्रेम ही चाहते हैं, लेकिन प्रेम के अलावा अगर भी आप लोग बहुत कुछ चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है। तो बोलिए प्रेम की जय, राधा रानी की जय, जोर से बोलिए राधे 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 राधे। चलिए बहुत अच्छा, देखिए आज की जो प्रसाद सेवा है वो हमारे सुमन अग्रवाल एंड फैमिली की तरफ से, की वजह से आज यहाँ पे नहीं आ पाई है, लेकिन उन्होंने बहुत ही हृदय से महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की है कि उनकी सेवा को स्वीकार करें और भक्त जन भी उनको आशीर्वाद दें कि वो इसी तरह से उनकी सेवा करते रहें। और हमारे एक और फैमिली हमारे साथ होती है, लेकिन उन फैमिली ने कहा है कि हमारा नाम अनाउंस मत करिएगा। तो चलिए जो वो अपना नाम नहीं भी अनाउंस कराना चाहते, लेकिन उनके भी आप लोग महाराज जी के चरणों में विनती है, ठाकुर जी के चरणों में विनती है, आप सब भक्तों की है कि उनको भी आशीर्वाद दीजिए कि उनका घर फूले फले और भक्ति भी उनको प्रदान हो। और समय ना लेते हुए, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है हमारे कान्हा के जन्मदिन का, तो बस कान्हा के जन्मदिन का आराम से आनंद नहीं मचाइएगा, जैसे वो कृष्ण आएंगे, जन्मदिन होगा, जैसे उत्सव होता है, हाथ में थोड़े थोड़े फूल दे दो, जब ठाकुर जी आए उनको सबके सब फूलों से बौछार कर, जैसे जो लाइन में बैठेगा ना तेरा फूल होगा, बैठे रहेंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा, एक एक फूल सब हाथ में, ठीक है, सब लोग बैठे रहेंगे, खड़े नहीं होंगे, ताकि आराम दर्शन भी होंगे और लीला भी आप अच्छे से देख पाएंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जोर से बोलो बोले श्री नंद के लाल की, जय जय श्री राधे। बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सुरजयो राज्ञां शुभय वंशानां परमाद्भुतम। बोले भागवत में दो वंशावल की चरित्र आई है, और एक चंद्र वंश, लक्ष्मी में भगवान राम आए, बोले श्री राम बोले श्री चंद्र वंश में भगवान कृष्ण कन्हैया आए। जब सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा वर्णना करने जा रहे हैं, अगस्त ऋषि ने एक चूल भर में संपूर्ण समुद्र को पान कर लिया, इन्होंने एक श्लोक बोल करके पूरा कृष्ण कथा में अपना अंतिम लीला को उन्होंने अंतर ध्यान कर दी। इतना बोल करके उन्होंने सारे कृष्ण कथा एक श्लोक में बोल करके बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की बोल करके ना वो चुपचाप हो गए। परीक्षित महाराज बोले क्या हो गया कृष्ण कथा, बोले बोल दिया ना पूरी की पूरी। बोले कृष्ण मेरे कुल देवता लगते हैं, मैं तो चार दिन में केवल टकटक लगा कर बैठा हुआ हूँ, कृष्ण कथा कब होगी, जी भर करके कृष्ण कथा सुनो, आप तो एक श्लोक में सब कुछ बोल दिए, मेरा मन में आनंद नहीं आया, विस्तृत रूप में सुनाओ। तब श्री सुखदेव गोस्वामी बोले मैं तुमको परीक्षा कर रहा था, सचमुच से क्या तू कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठे हो, तेरे को मैं परीक्षा कर रहा था। बोले देख परीक्षित, चार चार दिन ही हो गया, अभी तक तू थोड़ा पानी तक भी नहीं पिया, अरे कम से कम थोड़ा तो पानी तो पी लो। बोले प्रभु पानी के लिए तो जितना गड़बड़ी हुई ना, फिर पानी की क्यों बात कर रहे हो, आपकी मुख चंद्र को दर्शन करते हुए आपकी मुखामृत को कृष्ण कथामृत को मैं पान कर रहा हूँ, कथा को बंद मत करो फिर मेरे को प्यास लगने लग जाएगी। फिर उन्हें भगवान कृष्ण कथा बड़ी सुंदर कथा सुनाई। बोले देखो जैसे तीन गंगा है, एक आकाश में जिसका नाम मंदाकिनी, एक मर्त्य जगत में जिसका नाम भागीरथी, एक पाताल में जिसका नाम भोगवती,
ये तीन गंगा जैसे तीन लोगों को पवित्र करती हैं, कृष्ण भी तीन लोगों को पवित्र करती हैं। बोले किसको किसको? बोले जो सुनते जो बोलते हैं और जो प्रश्न करते हैं, ये तीनों का ये कल्याण करती हैं। कृष्ण कहते मीठा है, कहते में जो आत्मा में जो रमण करने वाले सुख सनात सनक आदि ऋषि लोग भी जब कृष्ण कथा सुनते हैं वो भी आकर्षित तो होते हैं, हैं? अगर कोई भव सागर से पार होना चाहते हैं क्या करो, कृष्ण कथा रूपी रस में गोता लगाओ, बास जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगी। बोले भव औषध छत्र मनोभिरामात, भव सागर से पार उनका सबसे मीठा दवा श्री ठाकुर जी की कथा है। इसलिए जो कृष्ण कथा है बड़ा मीठा है, बड़ा मधुर है। इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी एक बड़ा सुंदर अष्टक लिखे जिसका नाम ही मधुरा अष्टक है। वो क्या कहते हैं? बोले बदनांग मधुरम नायनांग मधुरम हासितांग मधुरम चरितांग मधुरम मधुराग मधुरम पादनांग मधुरम 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 हासितांग मधुरम नायनांग मधुरम हृदयांग मधुरम मधुराधिपति राखिलांग मधुरम मधुराधिपति राखिलांग मधुरम। अरे भगवान की सब कुछ मीठा ही मीठा है, उनकी चलना मीठा, बोलना मीठा, हंसना मीठा। ठाकुर जी पूरा रसगुल्ला जिधर खाओ उधर ही मिठाई मिठाई। ठाकुर जी जिस समय कंस ने बड़े अत्याचार की और अपना पिताजी को उन्होंने जेल में बंद कर दी, बोले मेरे देश में भगवान की कीर्तन, मेरे देश में कोई ठाकुर जी की भजन पूजा और यज्ञ नहीं कर सकते हैं, उसको कहां ले जा रहे हो? इसलिए यज्ञ नहीं कर सकते हो, जो यज्ञ करेगा नाम करेगा उसको मैं जेल में बंद कर दूंगा। और जितने भक्ति करने वाले संतों को उन्होंने जेल में बंद कर दिया और संतों लोग जेल में बैठी बैठी करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 बैठ बैठ करके ठाकुर जी को पुकार रहे थे। अभी कंस ने अपना बहन देवकी को बड़ी धूमधाम से शादी करवाया, बहुत कुछ उन्होंने दहेज रूप में दी। जब उसने विदा कर रहा था बीच रात में रास्ता में आकाशवाणी हुई, बोले रे मुड़ा कंस जिस देवकी वसुदेव को तुम सारथी बन करके विदाई दे रहे हो इसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। उसने देखा ये देववाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है, इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। उसने म्यान से तलवार निकाला और चोटी पकड़ के जब मारने जा रहा था, वसुदेव ने देखा ये देववाणी कभी झूठी नहीं होगी, इसलिए किसी तरह से देवकी को मैंने बचा लिया। साम दाम दंड भेद नीति से समझाए लेकिन तब भी नहीं समझा। बोले देख तेरे को पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बोले हाँ। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ देवकी की जितने बच्चा सबके सब तेरे को मैं दे दूंगा, तुम सारे बच्चों को मार दे लेकिन देवकी को मत मारना। ठाकुर का इच्छा है छोड़ दिए। पहला बच्चा जो कीर्तिमान को जब उन्होंने दिया उसको तो एकदम हृदय पिघल गई। अपना बच्चे को कोई मृत्यु का हाथ में दे सकता है? वो इतने खुश हो गया, इतना खुश हो गया। बोले देखो तेरे इसको इको को कम करो, इतना खुश हो गया। बोले इस बच्चे को तू ले जा, अष्टम गर्भ का संतान से मेरा मतलब है। नारद जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो गई। बोले क्यों? बोले जब तक पाप की घड़ा नहीं भरेगी ना ठाकुर नहीं आएंगे, इसके हृदय में तो दया की भावना उमड़ रहा है। नारद बिना बजाते बजाते आए,
कंस को एकांत में बुलाया, बोले देख अभी मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ, मैंने देखा देवता लोग बैठे करके मीटिंग कर रहे थे, तेरे को कैसे मारेंगे। देखो ये जितने सबके सब जदुवंशी कोई नहीं स्वर्ग का देवता, जितने गोपियां और कोई नहीं सब देवियां हैं, सबके सब षड्यंत्र करके तेरे को मारने के लिए आए। तब उन्होंने एक फूल लाए थे जिस कमल फूल जिसमें आठ पंखुड़ियां थी, बोले बताओ तो इसमें पहला नंबर कौन और आठवां नंबर कौन। बोले बोले इधर से गिनो, बोले एक के बच्चों, बोले एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, बोले उल्टा से गिनो, बोले एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, बोले बताना क्या चाह रहे हो, बोले इतनी सी बात समझ नहीं आ रही हो। अरे देवता लोग बोले अष्टम गर्भ का संतान मरेगा, तू तो इधर से गिन रहे हो, लेकिन अगर उल्टा से गिने तो जिसको एक कर रहे हो जाएगा आठ। ये भाई जब धीरे धीरे बड़े होएंगे मिल करके तेरे को मारेंगे, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रहा है। बोले गुरुजी फिर मैं सबको मार डालूं। बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता तेरा बाप जानता है। उन्होंने तो उनको भड़का दिए, भड़का करके नारद जी बिना उठाए बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। कंस ने एक एक करके छह बच्चों को मार डाले। बोले भैया मैंने बच्चों को क्यों मरवाया, इतना बड़ा साधु होकर के, इनको पूर्व जन्म की बात बता था, ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा की मानस पुत्र मरीज थे। एक दिन ब्रह्मा अपना बेटी को जन्म दी, बहुत सुंदरी थी, इतने सुंदरी थी ब्रह्मा स्वयं अपना बेटी को पर आसक्त हो गए। बोले देखो ये बूढ़े को अपना बेटी को पीछे भाग रहा है। इतने में ब्रह्मा जी उनको अभिशाप दिया, बोले तुम्हारी पिताजी को हाथ में जब तीन जन्म तक मरेगा तुमको मुक्ति मिलेगी, जितने जल्दी इनको मरवाएगा ना उतना जल्दी उनको मुक्ति दिला दिया। अभी सप्तम गर्भ, हाँ दूसरा शिक्षा है भगवान अष्टम गर्भ में आएंगे। बोले क्यों, बोले ये छह कौन है, बोले अगर अपना हृदय में कोई ठाकुर को बैठाना चाहते हैं बोले छह बच्चों को मारो। बोले छह बच्चे कौन है, बोले काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, पहले ये छह चीज को खत्म करो। फिर सप्तम स्टेज में बोले श्री बलदेव प्रभु ये आते हैं, बोले ये बलदेव प्रभु कौन है, ये धाम स्वरूप संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता जो ठाकुर जी का धारण करते हैं। बोले उसके बाद में कौन आते हैं, अष्टम में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, कहते ये एक तात्पर्य है। हाँ देखो दूसरी चीज को ध्यान देकर सुनो, ये बड़े रहस्य बात है, बच्चे सामने की बात नहीं करना, ये बच्चे जो बैठे हैं ना उनको सब चुपचाप बैठा दो, मुंह में अंगुल देकर बैठो। हाँ देखो भगवान ये अष्टम गर्भ में क्यों आए, ये बड़ी रहस्य बात है, कहते भक्ति की आठ स्टेजेस हैं, जैसे क्लास वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे ही भक्ति की आठ स्टेज, इसको अच्छे तरह से सुनो। भक्ति का सबसे जो पहला सोपान श्रद्धा, जैसे सभी के हृदय में श्रद्धा है तभी आप लोग यहाँ कथा सुन रहे हो, श्रद्धा नहीं होता तो कथा सुनने नहीं आते। बोले दूसरे स्टेज क्या है, बोले साधु संत यहाँ आए और बैठे तभी तो संतों की संग कर रहे हो, कथा तो सुन रहे हो। लेकिन तीसरा स्टेज क्या है, बोले भजन क्रिया। बोले भजन क्रिया मतलब जैसे सत्संग सुनेंगे फिर हमें पता चलता है ये मानव शरीर 84 लाख जन्मों के बाद एक बार मिलता है, ये शरीर ठाकुर बारंबार दे ही देते हैं, यदि ये देव दुर्लभ शरीर है और इसी शरीर में ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जब साधु संग से ये तत्व ज्ञान होगा, बोले जो तीसरा स्टेज है भजन क्रिया, फिर हम भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं। जब भक्ति करते हैं बोले जो चतुर्थ स्टेज है कहते अनर्थ निवृत्ति, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य और जो अनर्थ है जितने तरह का गंदी चीज, फिर ये साफ हो गया। बोले पंचमा स्टेज क्या है, बोले रुचि। रुचि मतलब होता है, देखो ध्यान देकर ये चीज को समझो, रुचि मतलब जैसे बहुत बढ़िया खाना बने, एक बार खाए तो बोले भैया और थोड़ा दो, दो बार खा ले बोले और एक बार दो, क्यों, वो बढ़िया लग रहा है। उसी तरह अभी हमें भक्ति अच्छी नहीं लगती है, गुरुदेव माला दे दिए, पहले तो माला को ले लिया गुरुदेव से, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं माला कुछ दिन बाद ऊपर लटका कर रखती है, माला जहां तक माला लटक रही है, माला गुरु जी गले में कंठी दी
लेकिन इस सोने का चेन पहन लेते हैं, लेकिन तुलसी कंठी उतारती है नहीं। गुरु जी, बड़े गुरु जी कहते थे, जब गुरुदेव गले में कंठी दिए, ये कंठी नहीं, ये सख्यात तुलसी देवी है, ये कोई साधारण लक्ष्मी माँ है, तुलसी में भगवान की निवास है। ये जब स्वयं कह रहे हैं अपना दूतों को, बोले देखो जो भक्ति करते हैं मेरे पास में मत लाना। बोले पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता है नहीं करता। बोले दो तरह के कुत्ते होते हैं, बोले एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ते। जो पालतू कुत्ते है ना, उनकी गले में देखना पट्टा बंधा हुआ रखता है, देखने से पता चलता किसी घर की कुत्ते हैं। जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए जिनकी गले में तुलसी कंठी जब गुरुदेव दिए है ना, गुरुदेव बड़े गुरु जी कहते थे, अगर ये कंठी किसको गले में है, अगर मृत्यु हो गई ना, उसी धाम भगवत धाम में जाएगा। अगर गले में कंठी नहीं तुम्हारी, स्वर्ग से कोई भोग नहीं सकता है। इसलिए गले से कभी कंठी नहीं उतरनी चाहिए। हम तो हिंदू है, देखो यहाँ पर ये इसको ना देखना, विदेश लोगों को देखना गले में कैसे मोटे मोटे तुलसी की माला करते हैं। ये तुलसी में ऐसे कोई मेडिसिन नहीं जो तुलसी मना करते थे। इसलिए इसको कहते हैं रुचि, मतलब होता है जिसमें अच्छी लगती है। लेकिन कभी कभी भगवान का नाम हमें अच्छी नहीं लगती है। देखो ये बड़े गुरु जी कहते थे, कहते गुरु जी जब हमें ये माला दिए है ना, ये माला नहीं ये भगवान दिए, ठाकुर जी को दिए है। कहते ना हर नाम है जी, हमें स्वयं भगवान को दे दिए। बड़े गुरु जी कहते थे, एक दिन अगर तुमने माला नहीं जब भगवान आज ठाकुर जी दिन भर रह गए हैं, ठाकुर जी भोजन नहीं किए, खाना नहीं खाए, नहीं किया, कपड़ा नहीं बदलाया। इसलिए दुनिया में सारा दुनिया उसको पूजा करती, भैया दुनिया छूट जाए लेकिन भक्ति कभी नहीं छूटती चाहे। इसको कहते निष्ठा है, उसको बाद में बोले भाव। भाव हृदय में जो भगवान के प्रति कभी कभी भगवान की को मिलेगी, कभी कभी ठाकुर जी की है चरण की नुपुर की छमछम आवाज मिलेगी, कभी ऐसे लगा ठाकुर जी जैसे हम स्पर्श कर रहे हैं, कभी ऐसे लगेगा ठाकुर में आकर का अधरान अपना होठ को चाटने लग जाओगे। ठाकुर जी कभी कभी साक्षात सामने प्रकट हो जाएंगे, देख करके आंख चकाचौंध। ये सप्तम स्टेज, अष्टम स्टेज में स्वयं बांके बिहारी तुम्हारे हृदय में रूप में तुम्हें दर्शन देंगे। इसलिए भगवान कौन सा स्टेज में आए, निहितम च सत्य सत्य स सत्य अमृत सत्य नेत्री सत्यात्मकत्वम शरणं प्रपद्ये। अभी ठाकुर जी प्रकट होने वाले हैं, जितने सारे जैसे मोदी अगर आए ना उसके लिए कितने स्वागत नहीं करते हैं। अभी विश्व ब्रह्मांड का पालनहार आ रहा है, कहती ये पृथ्वी तो दुल्हन जैसे सज गई, पृथ्वी इतने प्रसन्न हो रही थी। बोले क्यों, बोले भगवान हमें सत्य युग में ब्रह्मावतार में अपना पटरानी बनाए और त्रेतया युग में ठाकुर जी अपना सासू बनाए, क्योंकि माता सीता की जन्म पाताल से हुई है, और द्वापर युग में कृष्ण हमें पटरानी बनाएंगे, यही पृथ्वी सत्यभामा बन करके ये पृथ्वी आने वाली। इसलिए पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हो रही थी, जितने लता पता सबके सब खुश हो रही थी। बोले क्यों, बोले कृष्ण कंदरा कंदरा में कुंज कुंज में ठाकुर जी लीला करेंगे। और यमुना नदी तो इतनी खुश हो रही थी, यमुना त्रि से कलकल कलकल नाद करते हुए, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। कुछ तो सामने बच्चे जोर से चुपचाप बैठे हुए, बोला श्री कृष्ण के नैया लाल की। यमुना नदी हो रही थी, बोले क्यों, बोले कृष्ण की बनूंगी, कृष्ण मेरे जल में विहार करेंगे। इसलिए यमुना काली काली कहते और वंश में आ रहे थे। आप लोगों को बताओ तो राम कौन सा वंश, जोर से बोला, कितने बजे ठाकुर जी जन्म हुए थे राम, दिन को 12 बजे। क्यों, जो सूर्य वंश में सूर्य का जो प्रचंड तेज है वो दिन दोपहर में, इसलिए ठाकुर जी दोपहर में आए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, एक महीना तक वहां पर राम लाला की उत्सव मची, सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति कोने में बैठे बैठे रो रहा था। बोले कौन, चंद्रमा। भगवान बोले भैया दुनिया नाच रहे, ठाकुर जी जन्म लेने वाले,
कहते आकाश में जो काला मेघ छा जाए वो चार व्यक्ति खुश होते हैं। कितना लोग खुश होते हैं? कौन कौन है? कौन बोलेगा हाथ उठा? चार व्यक्ति कौन खुश होते हैं? आज मैं बोलूंगा, कल आपसे सुनूंगा, देखूंगा मेरे कौन बोलता है। पहला नंबर, ये बच्चा इसको मना नहीं कर सकते बच्चों, चुपचाप इसलिए कहते पहला नंबर व्यक्ति कौन खुश होते हैं? बोले मोर। अब देखना मोर को अब नृत्य करता है जब आकाश में काला मेघ छा जाए, है रिमझिम बारिश और बादल चम गड़गड़ गड़गड़ शब्द करे, तभी क्या होता है ये मोर नृत्य करता है। अभी कृष्ण रूपी मेघ प्रकट होने वाले, कदी ये बोले नीलकंठ श्री भोले बाबा, कल हम सुनेंगे भोले बाबा भी दर्शन करते हैं। दूसरा व्यक्ति कौन खुश होता है? बोले किसान। बोले किसान कौन है? बोले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने क्या की? विश्व ब्रह्मांड को रचना की, लेकिन दैत्य लोग आकर के बड़े उत्पीड़न कर रहे हैं, ब्रह्मा बड़े दुखी सृष्टि करने वाले, इसलिए कृष्ण रूपी मेघ को देखे करेंगे वो विनाश करेंगे। सारा दुनिया जय जयकार कर रहा था, इतने में भगवान कृष्ण रात 12 बजे ठाकुर जी कंस जी कारागार में ठाकुर जी प्रकट हुए। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। बोले प्रभु मैं आपको बालक रूप में प्रार्थना की थी। बोले देखो पूर्व जन्म में तुम लोग प्रिष्णी और सुतबा थे, तुम लोगों ने सूखे पत्ते को खा खा कर 10,000 तपस्या की। मैंने कहा क्या चाहिए? बोले आपके जैसे कि बेटा चाहिए, तो मैंने स्मरण कराने के लिए आया। देखो अभी मैं बच्चा बन जाऊंगा, वहां पर बेटी जन्म हुई, बेटी को ले आना, बेटे का वहां रख लेना। बोले प्रभु जाऊंगा कैसे? हथकड़ी बड़ी बड़ी हुई है, चिंता मत करो, मेरे को अपना सर पर रखो, सारे हथकड़ी बड़ी अपने आप खुल जाएगी। मतलब क्या है? अगर घर में कोई काम करो ना, ठाकुर जी को सामने रख करके करो, देखना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो, गोपाल बैठे हैं उनके लिए कोई वस्त्र है कि नहीं, ये चीज को पहले देखो, अपना लिए मत समझा सोचो, क्योंकि जितने सुंदर ठाकुर का श्रृंगार करोगे, जितने सुंदर सजाओगे ना, स्वयं उतना सुंदर सज जाओगे। अगर ठाकुर को नहीं सजाओगे, ये शरीर को सजाते रह जाओगे ना, बस अंतिम समय तो शरीर को जला ही देंगे। इसलिए क्या करो, सबसे पहले ठाकुर को आगे रखो, पहले दूसरों को खाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगा, फिर दुनिया को खिलाओ। ऐसे नहीं ठाकुर को खिलाए नहीं, सारा दुनिया को भूत प्रेत को खिला रहे। ठाकुर जिसने दिया तेरे दुनिया, वो चुपचाप कभी नहीं होनी चाहिए, पहले ठाकुर को।